हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। फ्रेंड्स, आप जानते हो कि इस सीरीज में हम 2011 से अब तक प्रीलिम्स में जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं उन सभी को अच्छे से उनके एक्सप्लेनेशन के साथ में सॉल्व कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसी कड़ी में आज हम 2013 में हमसे जीएस पेपर 2 में जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उन्हें सॉल्व करने वाले हैं। हम उनमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे ये भी देखेंगे, साथ ही साथ उस टेक्निक को भी सीखेंगे जिसके मदद से हम उन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपके डबल फायदे होने वाले हैं। पहला फायदा, आपको ये पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। दूसरा फायदा ये होगा कि आपको वो टेक्निक सीखने मिलेंगी, मैं आपको बिल्कुल अच्छे से वो टेक्निक सिखाऊंगा जिसके मदद से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, ताकि अगर वो क्वेश्चन फिर से आपके क्वेश्चन पेपर में रिपीट होकर आ जाए या उस तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए तो आप लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर पाए। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ फ्रेंड्स, उससे पहले मैं जल्दी से आपको सिविल स्टेप के एक इनिशिएटिव के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। फ्रेंड्स, एड्यूटैप ने अभ्यास करंट अफेयर टेस्ट सीरीज लॉन्च की है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए कि करंट अफेयर्स जो है वो आपके पेपर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। और फ्रेंड्स, इस टेस्ट सीरीज के अंदर में आपको 10 फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाती है और हर टेस्ट के अंदर में आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे। ये 100 एमसीक्यूज प्योरली आपका जो पास्ट 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर है उसके ऊपर में बेस्ड होगा, जिससे कि आपका कोई भी करंट अफेयर का टॉपिक छूटेगा नहीं। तो टोटल आपको यहाँ पर में 1000 एमसीक्यूज मिल जाएंगे। लेकिन फ्रेंड्स, ये कॉम्प्रिहेंसिव आपका कवरेज है, यहाँ पर में जो आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा वो भी कॉम्प्रिहेंसिव है। इसी वजह से फ्रेंड्स, ये जो 1000 एमसीक्यूज आपको मिल रहा है उसकी मदद से बहुत सारे और भी जो क्वेश्चन है वो भी आपके कवर हो जाएंगे जब आप इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर में ये जो टेस्ट सीरीज है ये डाउनलोडेबल फॉर्म में है, मतलब आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इस बैच को आपने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया है, आपका बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। और फ्रेंड्स, इसी चीज को ध्यान में रखकर यहाँ पर में सिविल स्टेप ने इसकी बैच 2 स्टार्ट की है, जिसे आप इसका एक मिनी वर्जन समझ सकते हो। यहाँ पर मैं आपको 10 के जगह पे 5 फुल लेंथ ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगी और हर टेस्ट के अंदर में आपको 100 एमसीक्यूज मिलेंगे, मतलब आपको टोटल यहाँ पर में 500 एमसीक्यूज मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स बेसिकली 1.5 इयर्स का जो करंट अफेयर है वो आपका इन 500 एमसीक्यूज से कवर हो जाता है। तो आप इन दोनों में से किसी भी एक बैच में एनरोल कर सकते हो। इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप प्लीज उसे चेक कर लीजिए ताकि आप लोग बेटर डिसीजन ले पाए कि आपको बैच 1 ज्वाइन करनी है या फिर बैच 2। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ पर मैं हमें बोला है देयर आर सम बॉल्स ऑफ रेड ग्रीन एंड येलो कलर। तो एक टेबल है जिसके ऊपर में रेड ग्रीन और येलो कलर के बॉल्स रखे हुए हैं। फिर आपको बोला है देयर आर एज मेनी रेड बॉल्स एज देयर आर येलो बॉल्स, मतलब फ्रेंड्स जितने रेड बॉल्स है उतने ही आपके पास में येलो बॉल्स भी है, तो रेड इज इक्वल टू येलो, ये हम लोगों ने यहाँ पर में लिख दिया है। फिर आपको बोला है देयर आर ट्वाइस एज मेनी येलो बॉल्स एज देयर आर ग्रीन वंस। तो बेसिकली फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं ये बोलना चाहता है कि येलो बॉल्स कितने हैं यहाँ पर में, ग्रीन बॉल्स के दुगने। ठीक है, येलो बॉल्स जो है वो ग्रीन वंस के ट्वाइस है, दुगने हैं, तो ये हम लोगों ने यहाँ पर में लिख दिया है। अब फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर में देख सकते हो कि रेड इज इक्वल टू येलो है एंड येलो इज इक्वल टू 2G है, तो हम इसको मिक्स करके लिख सकते हैं, रेड इज इक्वल टू येलो एंड येलो इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ग्रीन, ये हम लोगों ने लिख दिया है। अगर ये इक्वेशन है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि रेड इज इक्वल टू 2G, ये भी सही होगा, है ना, ऐसा बोला जा सकता है। वैसे एग्जाम में आपको इतना समय नहीं लगेगा, ये तो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ इसीलिए इतना समय लग रहा है, एग्जाम में आप बहुत ही इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप आज भी आपकी सी सेट की तैयारी स्टार्ट कर रहे हो फ्रेंड्स, तो आप इन वीडियोस को देखकर अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो, बस आप लोग जो मेथड मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से देखते जाइए। तो ये आपको समझ गया, आर इज इक्वल टू 2G, ये हम बोल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बोला है द नंबर ऑफ रेड बॉल्स की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर मैं अगर आप चारों ऑप्शन अच्छे से पढ़ोगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पर मैं समझ में आएगा कि ऑप्शन नंबर बी जो है उसके अंदर मैं आपको बोला है कि डबल द नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स। ठीक है, तो रेड बॉल्स जो है वो ग्रीन बॉल्स की संख्या की दुगनी है, डबल है, तो बिल्कुल यही तो हमारे यहाँ पर इक्वेशन में भी दिख रहा है, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों से एक साथ 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बोला है 5 सिटीज पी क्यू आर एस एंड टी आर कनेक्टेड बाय डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एज फॉलोज। ठीक है, यहाँ पर मैं 5 सिटीज है और ये पांचों के पांचों सिटीज जो है वो अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से आपस में कनेक्टेड है। पहला स्टेटमेंट हमें बोल रहा है पी एंड क्यू आर कनेक्टेड बाय बोट एज वेल एज रेल। तो ध्यान से देखिए इसे हम कैसे बनाएंगे।
मान लेते हैं ये P है, ठीक है, सिटी P है और ये सिटी Q है, तो ये दोनों आपस में बोट से कनेक्टेड है और रेल से भी कनेक्टेड है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं इन्हें बोट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ओके, यहाँ पर हम लोगों ने इसे बोट से कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद में फ्रेंड्स हम इन दोनों सिटीज को आपस में रेल से भी कनेक्ट कर देते हैं, ओके, तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर में कि P और Q जो है वो बोट से कनेक्टेड हो गए और P और Q जो है वो रेल से भी कनेक्टेड है, मतलब आप P से Q बोट से भी जा सकते हो और रेल से भी जा सकते हो। अब इसके बाद वाला स्टेटमेंट हमें बोल रहा है S एंड R आर कनेक्टेड बाय बस एंड बोट, S और R जो है वो बस से भी कनेक्टेड है और बोट से भी कनेक्टेड है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ ना तो हमारे पास में S अवेलेबल है ना ही R अवेलेबल है फिलहाल में, तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को बाद में कंसिडर करेंगे, अभी फिलहाल के लिए आप इसको स्किप कर दीजिए, ओके, इससे आपकी डायग्राम बहुत इजीली बन जाएंगी। कैसे डिसाइड करना है कि अभी उसे कंसिडर करें या ना करें या फिर बाद में करें, ये देखना कि क्या S और R आप लोगों के पास में अभी फिलहाल डायग्राम में अवेलेबल है, ये जो आपकी डायग्राम बन रही है, ये जो फ्लो डायग्राम बन रही है आपकी, क्या इसमें S और R अवेलेबल है, दोनों में से एक भी अवेलेबल नहीं है तो बाद में देखेंगे। Q एंड T आर कनेक्टेड बाय एयर ओनली, अब देखिए आपके पास में Q है तो आप T को यहाँ पर में आगे बढ़ा सकते हो, T को यहाँ पर में दिखा सकते हो, तो Q और T जो है वो एयर से कनेक्टेड है, तो हम यहाँ पर में इसको दिखा देते हैं कि Q और T जो है वो एयर से कनेक्टेड है, ठीक है, समझ गया आप लोगों को, यहाँ पर में देखिए Q और T को हम लोगों ने यहाँ पर में एयर से कनेक्टेड दिखा दिया है। उसके बाद बोला है P एंड R आर कनेक्टेड बाय बोट ओनली, P और R की बात हो रही है यहाँ पर में, ओके, तो P और R को हम यहाँ दिखा देते हैं, कहीं पे भी ले लीजिए आप R को एक जगह पे, यहाँ पर में P के साथ में, ओके, और ये किस चीज से कनेक्टेड है, P और R बोट से, तो यहाँ पर में क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, बोट आ जाएगा सिर्फ, तो देखिए यहाँ पर P और R जो है वो बोट से कनेक्टेड हो गए। फिर आपको बोला है T एंड R आर कनेक्टेड बाय रेल एंड बस, तो T और R को कनेक्ट करना है आपको, तो देखिए T यहाँ पर में है और R यहाँ पर में है, तो आप इसको कनेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, कैसे करेंगे हम यहाँ पर में कनेक्ट, यहाँ पर में आप इन दोनों के बीच में लाइन बना दीजिए, T और R जो है वो रेल और बस दोनों से कनेक्टेड है, तो दो लाइन बनानी पड़ेंगी ताकि हमारे पास में ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल रहे कि दो रूट है उस उन दो शहरों के बीच में, तो R और T कौन कौन से मोड से कनेक्टेड है, रेल और बस से, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रेल दिखा देता हूँ, ठीक है, एक लाइन पर, और एक लाइन पर मैं बस दिखा देता हूँ, सिंपल है। उसके बाद में फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि हमने एक स्टेटमेंट को छोड़ा हुआ था, ठीक है, हमने उसको बाद के लिए छोड़ा हुआ था, तो उसको कंसिडर करना है, भूल मत जाना कि इसे हमने छोड़ा है। एस और आर जो है वो बस और बोट से कनेक्टेड है, अब देखिए एस और आर में से अभी हमारे पास में आर अवेलेबल है, तो अब हम एस को यहाँ पर में लगा सकते हैं लाइन में, तो यहाँ पर मैं देख लेते हैं कि एस और आर को हम कैसे जोड़े, तो एस और आर जो है वो बस और बोट से कनेक्टेड है, तो आर के साथ में हम यहाँ पर में दो लाइन और जोड़ देते हैं यहाँ एस के लिए, पहला कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर मैं बस आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा बोट, ठीक है, तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स हम लोगों ने किस तरह से यहाँ पूरी डायग्राम बना दी है कि कौन सा शहर दूसरे शहर के साथ में कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड है, P और Q जो है वो बोट और रेल से कनेक्टेड है, Q और T जो है एयर से कनेक्टेड है। अगर आपको T से S जाना है तो आपके पास में दो रास्ते हैं, या तो आप ऐसे जा सकते हो या फिर आप T, R और S इस तरह से भी जा सकते हो, ओके, तो ये हमारी एक डायग्राम बन गई है। अब आप फ्रेंड्स देखोगे कि इस डायग्राम की मदद से कितना इजीली हम इन चारों काउंटर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक एक करके देखते जाइए। तो फ्रेंड्स हमारे पास में जो क्वेश्चन दिया है, पहला काउंटर क्वेश्चन वो है विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वुड हेल्प वन टू रीच आर स्टार्टिंग फ्रॉम क्यू, ओके, बट विदाउट चेंजिंग द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूं और आंसर आप खुद डिसाइड करना ताकि आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता रहे। यहां पर मैं बोला है कि अगर आपको R तक पहुंचना है Q से स्टार्ट करके, ठीक है, Q से स्टार्ट करना है यहां पर मैं, ओके, Q से हमें स्टार्ट करना है और कहां पहुंचना है, R तक पहुंचना है, लेकिन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब आपने एक बार जो ट्रांसपोर्ट का मोड ले लिया है उसी से आपको आखिरी तक ट्रेवल करना है, तो आप बताइए मुझे कि कौन से मोड का आप इस्तेमाल करके पहुंच सकते हो। तो आप देखिए फ्रेंड्स अगर आप इस रूट से जाना चाहते हो टी वाले रूट से, तो आप यहां से यहां तक एयर से पहुंच जाओगे, लेकिन आप टी से आर तक एयर से नहीं पहुंच पाओगे क्योंकि आर और टी जो है वो एयर से कनेक्टेड है ही नहीं, तो आप इस वाले रूट को तो चूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब आप इस रूट को देखिए, क्यू से आप कहां जाओगे, पी तक जाओगे, ठीक है, बोट से जाते हैं, और P से आप R तक फिर से बोट से जा सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पर मैं कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो चेंज नहीं किया, आपने
बोट से स्टार्ट किया था और आपने बोट से ही एंड भी किया है, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज हुआ ही नहीं। यही तो क्वेश्चन पूछा था कि आपको क्यू से स्टार्ट करके आर तक पहुंचना है लेकिन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज नहीं होना चाहिए। तो कौन से मोड का इस्तेमाल करेंगे हम? हम यहाँ पर में बोट का इस्तेमाल करेंगे। रेल का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम रेल का इस्तेमाल करेंगे तो क्यू से पी तक तो पहुंच जाएंगे लेकिन पी से आर तक रेल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स कौन सा मोड है? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बोट। ठीक है, आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई है कि कैसे इस डायग्राम की मदद से हमें काउंटर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको बोला है इफ अ पर्सन विजिट्स ईच ऑफ द प्लेसेस स्टार्टिंग फ्रॉम पी एंड गेट्स बैक टू पी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस मस्ट ही विजिट ट्वाइस। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको क्या बोला है कि जो पर्सन है उसने पी से अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है और उसको हर प्लेस के ऊपर में विजिट करना है। ठीक है, हर प्लेस पे कम से कम एक बार जाना है। तो ऐसा कौन सा प्लेस है जिस प्लेस पर उसको कम से उसको दो बार जाना पड़ेगा? ठीक है, दो बार उस प्लेस पर विजिट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड बहुत ही इजी है, आप देखिए हर प्लेस पर जाना है हमें तो हमें एस पर भी जाना पड़ेगा, है ना। और एस पर जाने के लिए एक ही शहर है जिसकी मदद से हम एस पर जा सकते हैं, वो है आर। तो फ्रेंड्स जब आप एस पर जाओगे, ठीक है, तो देखिए सपोज कीजिए कि आपने पी से जर्नी स्टार्ट किया, आप आर तक पहुंच गए, अब आर से आप एस पर जाओगे। तो जब आप एस पर पहुंच गए और आपको जब वापस आना है, ठीक है, क्योंकि यहां पर बोला है ना उसको कि वापस भी आना है पी पर, तो देखिए उसको फिर से आर पे आना पड़ेगा। पहली बार आर पर कब गया था? जब उसको एस पर जाना था। ठीक है, जाते समय आर पर था वो और आते समय भी एक बार आर पर आएगा, तो आर पर उसको दो बार जाना पड़ेगा। ठीक है, आर एक ऐसा प्लेस है जहां पर मैं उसको दो बार विजिट करना पड़ेगा अगर उसको हर एक प्लेस पर कम से कम एक बार विजिट करना है। तो एस पर जाते समय आर पर दो बार विजिट करना पड़ेगा, एक बार जाते समय एक बार आते समय। सिंपल है फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन आप लोगों से यहां पर मैं पूछा गया था। तो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया है यहां पर मैं। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहां पर हमें बोला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सिटीज इज कनेक्टेड बाय एनी ऑफ द रूट्स डायरेक्टली विदाउट गोइंग टू एनी अदर सिटी। ठीक है, मतलब वो दो सिटीज जो है वो आपस में कनेक्टेड होना चाहिए। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ठीक है, इस पूरे सेट में का सबसे इजी क्वेश्चन है। आप लोग डायरेक्टली डायग्राम में देखिए कि कौन सी दो सिटीज जो है वो आपस में कनेक्टेड है। देखिए पी और टी आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? नहीं है। बीच में क्यू आ गया, आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड का है? तो ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता। ओके, उसके बाद में टी और एस को देखिए, टी और एस, तो टी और एस भी आपस में कनेक्टेड नहीं है, है ना, आर आ गया बीच में, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। क्यू और आर, तो देखिए फ्रेंड्स क्यू और आर आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है क्या? नहीं है कनेक्टेड, तो ये भी हमारा आंसर जो है वो नहीं हो सकता। तो फ्रेंड्स जो हमारे पास में तीनों ऑप्शन थे उनमें से कोई भी आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ दीज। ठीक है, इनमें से कोई भी ऑप्शन जो है उसमें जो सिटीज दी गई है वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है। सिंपल था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फाइव, यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स एक बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है। बिटवीन विच टू सिटीज अमंग द पेयर्स ऑफ द सिटीज गिवन बिलो आर देयर मैक्सिमम ट्रेवल ऑप्शंस अवेलेबल। मतलब निम्नलिखित में से कौन से ऐसा पेयर है जिसमें मैक्सिमम ट्रेवल ऑप्शंस उनके पास में अवेलेबल है? तो फ्रेंड्स आप लोग यहां पर मैं डायरेक्टली देख सकते हो कि जो ऑप्शंस आपके पास में दिए हैं उनमें से क्यू और एस के पास में सबसे ज्यादा ट्रेवल ऑप्शंस अवेलेबल है। अगर आपको क्यू से एस जाना है तो आप यहां से भी जा सकते हो, देख सकते हो आपके पास में कितने सारे ट्रेवल ऑप्शंस है, बोट, रेल, बोट, बस, बोट। ठीक है, क्यू से एस इस रूट से अगर आपको जाना है, अगर आपको यहां से भी जाना है इस रूट से क्यू से टी फिर आर फिर एस, तो यहां से भी आप देख सकते हो फ्रेंड्स कि यहां पर में भी आपके पास में बहुत सारे जो है ट्रेवल ऑप्शंस अवेलेबल है। तो सबसे ज्यादा ट्रेवल ऑप्शंस किसके पास में है? क्यू से एस जाने के लिए। वही अगर आप पी से आर की बात करोगे तो यहां पर में एक ऑप्शन है इस रूट पे, और इस रूट के ऊपर में देखोगे फ्रेंड्स तो आपके पास एक दो तीन चार पांच, यहां पर में पांच ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके, तो पांच और एक छह हो गया। तो वैसे ही आप पी और टी पर भी गिन सकते हो और क्यू और आर पे भी गिन सकते हो। तो फ्रेंड्स सबसे ज्यादा जो ऑप्शंस अवेलेबल है वो बहुत ही बेसिकली हमें यहां पर में समझ में आ रहा है कि क्यू और एस के बीच में अवेलेबल है। तो यहां पर में आंसर जो है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को एक पैसेज दिया गया है और इस पैसेज के अंदर में कुछ इन्फॉर्मेशन है। ओके, और इस इन्फॉर्मेशन पर बेस्ड आप लोगों से तीन क्वेश्चन पूछे गए। पैसेज बोल रहा है अ टेनिस कोच इज ट्राइंग टू पुट टुगेदर अ टीम ऑफ फोर प्लेयर्स फॉर द फोर्थ कमिंग टूर्नामेंट। एक टूर्नामेंट है उसके लिए चार प्लेयर्स चुनने हैं और यहां पर मैं सात प्लेयर्स जो है वो अवेलेबल है जिसमें से तीन मेल है, ए बी सी जो है वो मेल है और डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो है वो फीमेल्स है। ओके, ऑल प्लेयर्स हैव इक्वल कैपेबिलिटी, मतलब
ऐसा नहीं है कि मेल है तो वो ज़्यादा अच्छे से खेल पाएंगे या फिर फीमेल है तो ज़्यादा अच्छे से खेल पाएंगे, ठीक है। सारे प्लेयर्स जो है वो सेम कैपेसिटी के हैं एंड एटलीस्ट टू मेल्स विल बी देयर इन दी टीम। तो देखिए यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला आपको कि कम से कम दो मेल होने चाहिए टीम में, ठीक है। चार लोगों की टीम बनानी है उसमें से कम तो दो होने चाहिए। एटलीस्ट मतलब क्या है, कम से कम दो, ज़्यादा से ज़्यादा चार भी हो सकते हैं, वैसे तो चार होंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ पर मैं तीन ही मेल है, ज्यादा से ज्यादा तीन हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो होने ही चाहिए। फॉर अ टीम ऑफ फोर प्लेयर, फोर ऑल प्लेयर मस्ट बी एबल टू प्ले विथ ईच अदर, ठीक है। सारे के सारे प्लेयर जो है वो एक दूसरे के साथ में खेलने के लिए अवेलेबल होने चाहिए, मतलब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के साथ में। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दिया गया है कि बी कैन नॉट प्ले विथ डब्लू, मतलब बी जो है वो डब्लू के साथ खेलना नहीं चाहता, तो ऑब्वियसली डब्लू खेलेगा तो बी नहीं खेलेगा, बी खेलेगा तो डब्लू नहीं खेलेगा। सी कैन नॉट प्ले विथ जेड एंड डब्ल्यू कैन नॉट प्ले विथ वाई, ओके। तो फ्रेंड्स ये हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैं पढ़ ली है। अब आप क्या करोगे, आपको जो पेपर दिया जाता है उसमें बहुत हल्के से, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको पेपर के ऊपर में कुछ भी लिखना अलाउ नहीं होता है, तो आप बहुत ही हल्के से मार्क कर सकते हो, पेंसिल से अंडरलाइन कर सकते हो। तो कौन कौन सी चीज़ें आप अंडरलाइन कर लोगे, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए ग्रीन कलर से इन्हें मार्क कर दिया है कि चार प्लेयर्स होने चाहिए और एटलीस्ट यहाँ पर मैं दो मेल्स होंगे, ओके। तो ये चीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सिक्स जो है वो हमें बोल रहा है, इफ वाई इज सेलेक्टेड एंड बी इज रिजेक्टेड द टीम विल कंसिस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स, ओके। तो वाई जो है वो सेलेक्ट हो गया है टीम में और बी जो है वो रिजेक्ट हो गया है, तो आपको बताना है कि इन ग्रुप्स में से कौन सा ग्रुप जो है वो पॉसिबल है जिसकी टीम बनाई जा सकती है। अब फ्रेंड्स आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने यहाँ पर में जो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन थी पैसेज में उसे शॉर्ट करके यहाँ लिख दिया है ताकि इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल रहे और हमें प्रीवियस स्लाइड पर बार बार जाने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको क्या बोला है, वाई जो है वो सेलेक्ट हो गया है, तो वाई को हम यहाँ सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो वाई जो है वो तो सेलेक्ट हो गया है, तो मैं यहाँ पर मैं वाई को लिख देता हूँ कि वाई जो है वो सेलेक्ट हो गया है, ओके। वाई जो है वो सेलेक्ट हो गया है। अब देखिए फ्रेंड्स अगर वाई सेलेक्ट हो गया है, ओके, यहाँ पर मैं देखिए अगर Y सेलेक्ट हो गया तो W खेल सकता क्या साथ में, नहीं, क्योंकि W ने साफ साफ बोला है कि अगर Y खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा और Y ने भी बोला है कि अगर W खेलेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, तो दोनों की आपस में नहीं बनती। तो अगर Y खेल रहा है तो W नहीं खेलेगा, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं साफ बात हो गई कि W को हमें यहाँ से कैंसिल करना पड़ेगा, W के लिए चांसेस फिलहाल नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर मैं W को काट दिया है। अब देखिए B जो है वो रिजेक्ट हो गया है, ठीक है। यहाँ पर मैं देखिए B जो है वो रिजेक्ट हो गया, तो यहाँ पर मैं आप क्या कीजिए, B को रिजेक्ट कर दीजिए, B को हमने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ पर मैं देखिए आपको क्या बोला था, एटलीस्ट टू मेल्स शुड बी देयर, ठीक है। दो मेल्स तो कम से कम आपको चाहिए ही चाहिए, तो अगर B को आप काट देते हो तो आपके पास तो सिर्फ दो ही मेल्स बचेंगे, A और C, तो दोनों को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। उनके बिना तो चलेगा ही नहीं क्योंकि कम से कम दो तो चाहिए और दो ही बचे आपके पास में, सिंपल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं देखिए A और C को मैंने यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लिया है टीम के अंदर में, तो अभी देखिए हमारे पास में तीन लोग हो गए, कौन कौन से, Y जो हमें डायरेक्टली बताया गया था कि Y जो है वो सेलेक्टेड है, A और C हम लोगों ने देखा कि अगर B रिजेक्ट हो गया तो A और C को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको पता है कि अगर C खेलेगा तो Z नहीं खेलेगा, ठीक है, ये आप लोगों को साफ साफ पता है। तो अगर C खेल रहा है तो Z का तो चांस बनता ही नहीं है, Z जो है वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमें पता है फ्रेंड्स कि C खेल रहा है, तो Z को आप यहाँ से काट दीजिए। तो आपके पास में कौन बच गया, देखिए Y तो पहले ही सेलेक्ट हो चुका है, अब कौन बच गया आपके पास में, अकेला X, तो यहाँ पर मैं आ जाएगा आपका X, ठीक है। तो हम यहाँ पर मैं X को लिख देंगे इस तरह से, तो यहाँ पर मैं देखिए फ्रेंड्स हमारी टीम बन गई चार लोगों की, A, C, Y, X। समझ गया आप लोगों को कैसे बनाया हम लोगों ने, एक बार फिर से शॉर्ट में बता देता हूँ, अगर आपको समझ गया तो थोड़ा सा वीडियो को सामने बढ़ा लीजिए, जिनको नहीं समझा उनको मैं फिर से बता देता हूँ। हमें क्या बोला था, वाई सेलेक्ट हो गया, ठीक है, तो हमने वाई को सेलेक्ट करके यहाँ पर मैं लिख दिया। फिर हमें बोला बी जो है वो रिजेक्टेड है, तो बी को हमने यहाँ से काट दिया, लेकिन हमें पता है कि दो मेल्स चाहिए कम से कम, तो ए और बी को सेलेक्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि यही दो मेल्स बचे हमारे पास में, तो ए और सी को हमने यहाँ पर में सेलेक्ट कर लिया क्योंकि बी रिजेक्ट हो गया था। तो ए सी वाई हमारे पास में तीन लोग हो गए, चार की ही टीम बनानी है हमें, ठीक है, सिर्फ चार ही लोग खेल सकते हैं एक साथ। हमें पता है कि सी अगर खेल रहा है तो जेड नहीं खेलेगा, तो हमने जेड को भी काट दिया, तो सिर्फ एक ही पर्सन बच जाता है, वो है एक्स, क्योंकि डब्ल्यू तो ऑटोमेटिकली कट गया है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं बोला है कि अगर से Y खेल रहा है तो W नहीं खेलेगा, तो W तो खेल ही नहीं सकता, तो X बचा अकेला, तो हमने यहाँ पर मैं X को भी सिलेक्ट कर लिया है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, मैं देखिए आप A C Y X, ठीक है, तो देखिए A C, देखिए यहाँ पर मैं दिया है A और C और Y भी दिया और X भी दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर, मैं हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी, ठीक है। आई होप आप लोगों को यहां पर मैं अच्छे से अब समझ में आ गया है कि कैसे आंसर निकालना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहां पर मैं आप लोगों को बोला है कि इफ बी इज सेलेक्टेड एंड वाई इज रिजेक्टेड, ओके, बी को सेलेक्ट कर लिया है, वाई को रिजेक्ट कर लिया है, तो आपको बताना है कि टीम किस तरह से कंसिस्ट हो सकती है, कैसे बनाई जा सकती है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो क्वेश्चन पहले वाले से भी ज्यादा इजी है, उससे भी ज्यादा इजी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पेन पेपर कुछ भी उठाने की जरूरत नहीं है। ऑप्शंस देखिए, यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को साफ साफ बोला है कि अगर बी खेलेगा तो डब्ल्यू नहीं खेलेगा, ठीक है। अगर बी है टीम में तो डब्ल्यू नहीं आएगा, दोनों की बनती नहीं आपस में, दोनों भाई साहब आपस में नहीं खेल सकते। आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए के अंदर में बी भी दिया है, डब्ल्यू भी दिया है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना बी और डब्ल्यू का एक साथ खेलना। तो यहां से आपको डायरेक्टली समझ जाना चाहिए था कि ये ऑप्शन तो आपका एलिमिनेट हो गया, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी देख लेते हैं, ए बी सी जेड। तो यहां पर मैं देखी कि कोई ऐसे पेयर है क्या जो एक साथ नहीं खेल सकते, तो देखिए सी और जेड मुझे साफ साफ दिख गया यहां पर मैं कि सी और जेड तो साथ में नहीं खेल सकते थे, तो सी और जेड यहां पर मैं कैसे आ गए, है ना, दोनों की तो नहीं बनती आपस में, तो फ्रेंड्स ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ओके, ए बी सी एक्स, ठीक है। तो देखिए ए बी सी एक्स के अंदर में कोई आपको पेयर दिख रहा है क्या जो आपस में नहीं खेल सकते, चेक कर लीजिए एक बार। चलिए मुझे तो नहीं दिखा, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिए कि आपको दिखता है यहां पर में कोई ऐसा पेयर। ऑप्शन नंबर डी देखिए, ए डब्ल्यू वाई जेड। अब देखिए फिर से यहां पर में डब्ल्यू और वाई आ गए, तो आप जानते हो फ्रेंड्स कि डब्ल्यू और वाई तो साथ में नहीं खेल सकते, दोनों की आपस में नहीं बनती, ठीक है, बचपन की दुश्मनी है, तो यहां पर में ये भी आंसर हमारा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो देखिए तीन ऑप्शन तो डायरेक्टली यहां पर में एलिमिनेट हो गए, ए बी और डी, तो आंसर ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है ना, तो हमारा यहां पर में आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा यहां पर में ऑप्शन नंबर सी, ए बी सी और एक्स जो है यही पेयर बन सकता है, इसके अलावा कोई भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। आई होप आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहां पर मैं आपको बोला है, इफ ऑल द 3 मेल्स आर सेलेक्टेड देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस ऑफ 4 मेल्स 4 मेंबर टीम्स आर पॉसिबल। कितनी तरह से आप लोग टीम बना सकते हो अगर से तीनों मेल्स को आपने सेलेक्ट कर लिया है। तो देखिए यहां पर मैं बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इजी, मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए हमें करना क्या है, ए को भी सेलेक्ट कर लीजिए, बी को भी सेलेक्ट कर लीजिए, सी को भी सेलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए हमने तीनों मेल्स को यहां पर मैं सेलेक्ट कर लिया, अब बारी आती है चौथे नंबर पे, है ना, क्योंकि चार ही जगह है, तो तीन जगह पे तो मेल आ गए हैं, अब ये चौथी जगह पे कौन आएगा ये डिसाइड करना है हमें। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर से बी खेल रहा है, ओके बी खेल रहा है, तो डब्ल्यू तो नहीं आ सकता, ठीक है, डब्ल्यू नहीं आ सकता यहां पर में, तो डब्ल्यू के आने की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई। तो मैं क्या करूंगा यहां पर में, ठीक है, डब्ल्यू को यहां पर में से काट दूंगा, ठीक है, डब्ल्यू को हमने यहां से काट दिया। उसके बाद में देखिए अगर सी खेल रहा है, ठीक है, यहां पर मैं देखिए अगर सी यहां पर मैं टीम में है तो जेड नहीं आ सकता, तो आपको यहां से जेड को भी काट देना पड़ेगा। तो देखिए मैंने जेड को भी यहां पर मैं क्रॉस कर दिया। ओके, अब और कोई ऐसा आपके पास में कॉम्बिनेशन है कि जो एक साथ नहीं खेल सकते, ए बी सी के साथ में किसी और की दुश्मनी है एक्स और वाई की, नहीं है, ठीक है, दोनों ही खेल सकते इन तीनों के साथ में। तो फ्रेंड्स हो सकता है कि यहां पर मैं एक्स आ जाए या हो सकता है वाई आ जाए। ओके, तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपके जो पेयर बनेंगे वो ऐसे बनेंगे ए बी सी, ठीक है, और एक बार यहां पर मैं आपका एक्स आ जाएगा, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है ए बी सी, और दूसरे बार में क्या आ जाएगा वाई आ जाएगा, ठीक है। तो कितने तरह से आप टीम बना पाए अगर तीनों मेल्स के साथ में आपको टीम बनानी ही है, तीनों मेल कंपलसरी कर दिए गए, तो दो तरीके से बना सकते हैं, एक बार एक्स को ले लेंगे टीम में, एक बार वाई को ले लेंगे। तो यहां पर मैं आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स हमारा, यहां पर मैं हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी टू, क्योंकि यहां पर मैं साफ दिख रहा है कि दो तरीके से टीम बनाई जा सकती है ना, सिंपल। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप लोगों को लॉजिकली सोचना है एग्जाम के समय में, ओके, और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना, माइंड को अगर आप रिलैक्स करके सोचोगे ना, रिलैक्स करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो और अच्छे तरीके से इफेक्टिव वे में आपके आंसर आएंगे, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, कट ऑफ तो आराम से निकल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 फ्रेंड्स, यहां पर मैं आप लोगों को बोला है कि एक म्यूजिक डायरेक्टर है, ठीक है, वो चार लोगों को सेलेक्ट करना चाहता है एक म्यूजिक बनाने के लिए, मतलब इस म्यूजिक डायरेक्टर को म्यूजिक बनाना है और उसको चार लोगों की टीम की जरूरत है, लेकिन उसके पास में 7 पर्सन जो है वो अवेलेबल है, 7 लोग अवेलेबल है, कौन कौन से, रोहित, तान्या, शोभा, कौशल, कुणाल, मुकेश और जसवंत। अब इन 7 लोगों में से उसको चार लोगों को चुनना है, ठीक है, चार लोगों को सेलेक्ट करना है, लेकिन कुछ कंडीशंस है, रोहित और तान्या जो है वो साथ में काम नहीं कर सकते, दोनों की आपस में नहीं बनती होंगी, ठीक है, तो वो दोनों साथ में काम नहीं करेंगे। कुणाल और शोभा विल नॉट वर्क टुगेदर, कुणाल और शोभा का भी झगड़ा है बचपन का, तो वो भी साथ में काम नहीं करेंगे। मुकेश एंड कुणाल वॉन्ट टू वर्क टुगेदर,
वो आपस में काम करना चाहते हैं, साथ में काम करेंगे। मतलब मुकेश को सिलेक्ट किया तो कुणाल को भी करना पड़ेगा क्योंकि दोनों के साथ में काम करने की इच्छा है। अब फ्रेंड्स यहां पर मैं, आप लोग चाहो तो इसको पढ़कर भी आगे बढ़ सकते हो, या फिर जिन लोगों को नहीं समझी ये इंफॉर्मेशन उन लोगों के लिए मैं यहां पर ये इंफॉर्मेशन लिख देता हूं। देखिए यहां पर मैं क्या बोला है कि कुणाल ठीक है और शोभा जो है वो साथ में काम नहीं कर सकते। देखिए यहां पर मैं क्या बोला है, कुणाल और शोभा जो है वो साथ में काम नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों में इक्वल लगा के इस तरह से काट दूंगा ताकि मुझे ध्यान रहे कि कुणाल और शोभा जो है वो साथ में काम नहीं कर सकते। इक्वल लगाया मतलब वो साथ में काम कर सकते, ऐसे ये मेरा नोटेशन है। आप कुछ भी तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसा भी आप लोगों के लिए सुटेबल है। ठीक है, मैं मुझे ऐसा अच्छा लगता है कि कुणाल और शोभा साथ में काम नहीं कर सकते, इक्वल लगा दिया, काट दिया, साथ में काम नहीं करेंगे। वैसे ही पहले वाले स्टेटमेंट में भी दिया था रोहित और तान्या विल नॉट वर्क टुगेदर, तो चलिए इसे भी लिख देते ही है, रोहित और तान्या जो है वो साथ में काम नहीं करेंगे। ओके, अब आप लोगों ने एक चीज ऑब्जर्व की फ्रेंड्स कि मैंने यहां पर मैं कुणाल को के यू लिखा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि के से दो लोग स्टार्ट होते हैं, कुणाल और कौशल। तो फ्रेंड्स आप लोग क्या करो, दोनों को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुणाल के लिए के यू लिख देना और कौशल के लिए के ए लिख देना। अब ये चीज बहुत छोटी है, आप लोगों में से कई लोग सोचोगे कि सर इतनी छोटी चीज बताने की थोड़ी होती है, लेकिन फ्रेंड्स कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनका ये बैकग्राउंड नहीं है, आर्ट से होते हैं, आर्ट बैकग्राउंड से, तो थोड़ा उनको तकलीफ जाती है क्योंकि उन्होंने कभी ये सारी चीजें सॉल्व नहीं की, इसीलिए मैंने ये सारी चीजें बता दी है। ओके, तो इसके लिए प्लीज जो लोगों को समझता है वो थोड़ा सा आगे वीडियो को फॉरवर्ड कर ले, जिनको नहीं समझा वो ये चीज देखे। अब फ्रेंड्स मुकेश और कुणाल जो है वो आपस में काम करना चाहते हैं, तो हम इसे भी लिख देंगे यहां पर मैं कि मुकेश और कुणाल जो है वो साथ में काम करना चाहते हैं, तो ये हम लोगों ने लिख दिया। अब देखिए यहां पर मैं क्या बोला था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्सेप्टेबल ग्रुप ऑफ पीपल दैट कैन बी सेलेक्टेड बाय द म्यूजिक डायरेक्टर। तो आप लोग इसको बड़ी ही आसानी से ऑप्शन की मदद से सॉल्व कर सकते थे। यहां पर मैं देखिए पहले ऑप्शन में रोहित, शोभा, कुणाल और कौशल दिया है, लेकिन फ्रेंड्स आप जानते हो कि कुणाल और शोभा तो साथ में काम कर ही नहीं सकते, कुणाल और शोभा का नहीं बनती आपस में, तो फिर कुणाल और शोभा साथ में कैसे आ सकते हैं, है ना। देखा आप लोगों ने, यहां कुणाल और शोभा साथ में दिया है, तो इजीली ये ऑप्शन जो है आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, कितना इजी होता है आपका सीसेट का पेपर। तान्या, कौशल, शोभा, रोहित, अब आप जानते हो रोहित और तान्या जो है साथ में काम नहीं कर सकते, तो रोहित और तान्या को कैसे साथ में दे दिया, तो ये भी आपका ऑप्शन जो है एलिमिनेट हो गया। उसके बाद में देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है शोभा, तान्या, रोहित। ठीक है, क्योंकि यहां पर मैं मुझे साफ साफ रोहित और तान्या जो है साथ में दिख गए, इसीलिए मैंने पहले ऑप्शन नंबर डी देख लिया, रोहित तान्या साथ में काम नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। अब देखिए फ्रेंड चार में से अगर तीन ऑप्शन एलिमिनेट हो गए तो ये तीसरे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, इतना हमारे पास में समय अवेलेबल नहीं होता है, तो डायरेक्टली आप ऑप्शन नंबर सी को मार्क करोगे। ठीक है, डायरेक्टली हम इसको मार्क करेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। यहां पर मैं आपको बोला है फाइव पीपल ए बी सी डी एंड ई आर सीटेड अबाउट अ राउंड टेबल, एवरी चेयर इज स्पेस्ड इक्विडिस्टेंस फ्रॉम एडजेसेंट चेयर्स। चलिए इसका कोई मतलब नहीं है, तो पांच लोग हैं और वो राउंड टेबल पर बैठे हुए, तो यहां पर हम क्या करेंगे, एक राउंड टेबल बना लेते हैं। तो राउंड टेबल हमने बना लिया है, अब हम क्या करेंगे, पांच लोगों को यहां पर मैं दिखा देते, एक दो तीन चार पांच। ठीक है, ये दिखा दिया हम लोगों ने। अब फ्रेंड्स यहां पर मैं पहला जो हमारे पास में स्टेटमेंट दिया गया है वो बोल रहा है सी इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो सी जो है वो किसके पास में बैठा है, सी जो है वो ए के पास में बैठा है, तो अगर मैं सी को यहां बैठा दूं तो ए यहां आ जाएगा। लेकिन कुछ लोग बोलेंगे ए तो यहां भी आ सकता था, है ना, यहां पर मैं आ सकता था ए, तो फ्रेंड्स उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक पॉसिबिलिटी और बना लेते हैं। ओके, पॉसिबिलिटी बना लेंगे, मतलब एक डायग्राम मैं और बना लूंगा फट से, ताकि कोई भी कंफ्यूजन का चांस बचे ही ना, आपको दोनों तरीके से समझ में आ जाए। वैसे आप एक डायग्राम में भी इसका आंसर निकाल सकते हो, लेकिन मेरा मेन मकसद है आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करना। ओके, ताकि आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन पूछ ले आप लोग सॉल्व कर पाए। तो फ्रेंड्स ये हो गया, तो एक बार हमने सी को जो है वो यहां पर में रखा है, तो ए को यहां रख देंगे। ठीक है, तो देखिए दोनों ही तरीके से हम लोगों ने यहां पर में रख दिया। नेक्स्ट आपको बोला है ए इज सीटेड टू सीट्स फ्रॉम डी। अब इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए फ्रेंड्स, इसका मतलब होता है कि ए और डी के बीच में दो सीट्स की गैप है। ओके, आई होप आपको समझ गया, इसका मतलब है कि ए और डी की सीट में दो की गैप है। तो यहां पर मैं, आप देखिए ए यहां है, तो आप पहले तो इसके राइट हैंड साइड से गिन लीजिए, वन टू, छोड़ के डी यहां आ सकता है। ओके, तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहां पर मैं डी को जो है ना ब्रैकेट में लिखूंगा, क्योंकि
अभी भी डी की जो पोजीशन है वो डिसाइडेड नहीं है, क्योंकि एक दो छोड़ के अगर आप राइट हैंड साइड से गिनोगे तो डी यहाँ आएगा, लेकिन अगर आप ए के लेफ्ट हैंड साइड से गिनते हो तो पहली जगह ये छूटेंगी, दूसरी जगह ये छूटेंगी, तो डी यहाँ आ जाएगा। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड से दो लोगों को छोड़ोगे तो डी यहाँ भी आ सकता है। तो मैं डी को यहाँ पर मैं भी ब्रैकेट में लिख दूंगा। ब्रैकेट में लिखने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है, अभी डिसाइडेड नहीं हुआ है। वैसे ही यहाँ पर में भी हो जाएगा, दो प्लेस आप ऊपर से छोड़ दीजिए, एक दो, ठीक है, इसके लेफ्ट हैंड साइड से, तो डी जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, डी को ब्रैकेट में लिख देंगे, एक ब्रैकेट में लिख दिया मैंने। उसके बाद में अगर आप यहाँ पर में राइट हैंड साइड से गिनोगे तो एक पोजीशन ये छूट जाएगी, दूसरी पोजीशन ये, तो दो लोगों की गैप छोड़ने के बाद में डी जो है वो यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे डी को। ब्रैकेट का मतलब क्या है फिर से बता देता हूँ कि पोजीशन डिसाइडेड नहीं है लेकिन यहाँ पर में आ सकता है, ये जगह खाली है। अब देखिए फ्रेंड्स, डी के लिए कौन सी दो जगह है, या तो डी यहाँ आएगा या तो फिर डी यहाँ आएगा, तो डी यहाँ नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि डी के लिए दो ही जगह है, क्योंकि दो की गैप छोड़ के हमको डी को प्लेस करना है ना ए के साथ में, तो डी या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा, तो डी यहाँ नहीं आ सकता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डी को छोटा सा लिखेंगे और काट देंगे, ठीक है, तो इससे हमें क्या पता रहेगा कि डी यहाँ नहीं आ सकता। और वैसे ही यहाँ पर में भी हो जाएगा, नीचे वाली डायग्राम में देखिए डी जो है वो यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि डी के लिए दो ही जगह खाली है, तो डी यहाँ पर में नहीं आ सकता। हमने डी यहाँ पर में लिखा, ठीक है, और थोड़ा सा काट दिया, जैसे भी आप लोगों को सूटेबल लगे आप लोग वैसे कर सकते हो। नेक्स्ट आप लोगों को बोला है फ्रेंड्स के बी इज नॉट सीटेड नेक्स्ट टू ए, बी जो है वो ए के पास नहीं बैठा है, तो ए यहाँ पर में है तो बी यहाँ तो नहीं आ सकता और यहाँ भी नहीं आ सकता, तो मतलब यहाँ पर में बी नहीं आ सकता, ठीक है, बी यहाँ नहीं आ सकता, ओके। और यहाँ पर में भी देख लीजिए नीचे वाली डायग्राम में, बी जो है वो ए के एडजेसेंट में नहीं आ सकता, उसके साइड में नहीं आ सकता, तो बी यहाँ नहीं आ सकता। तो हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ बी लिखेंगे और छोटा सा काट देंगे, बस थोड़ा ध्यान रखना कि आपने काटा है, ये चीज़ आप लोगों को दिख जाए कि बी यहाँ नहीं है करके, ओके, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना। अब फ्रेंड्स, अगर बी यहाँ नहीं आ सकता तो बी के लिए कौन कौन सी जगह खाली है जहाँ पर में बी आ सकता है, बी के लिए एक तो ये जगह खाली है और एक जगह ये खाली है। लेकिन आप लोग सोचोगे कि सर यहाँ तो पहले से ही डी लिखा हुआ है, तो फ्रेंड्स दोनों जगह तो डी नहीं आ सकता, तो अगर से, ठीक है, अगर से यहाँ पर में डी आता है तो बी कहाँ आ जाएगा, बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो बी को मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूँ। क्या हुआ है, अगर डी यहाँ आया तो बी यहाँ आ जाएगा, लेकिन अगर डी यहाँ आ गया तो फिर उस केस में बी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, अगर डी यहाँ आता है तो बी यहाँ आ जाएगा, तो इसके लिए फिर से हम बी को यहाँ भी लिख देते हैं। तो आपको समझ में आ गया, अगर D यहाँ आता है तो B यहाँ आ जाएगा, अगर D यहाँ आता है तो B यहाँ आ जाएगा, सेम चीज यहाँ पर में भी होगी, ओके, तो इन दोनों के लिए हम यहाँ पर में लिख देते हैं, अगर से D यहाँ आता है तो B यहाँ आ जाएगा और अगर से B यहाँ आता है तो D यहाँ पर में आ जाएगा, सिंपल, ओके। तो फ्रेंड्स, अब हमसे सवाल क्या पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, डी जो है वो बी के पास में बैठा है। तो फ्रेंड्स, अब लोग आप यहां पर मैं देखिए, ये बताने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर मैं डी भी नहीं आ सकता, बी भी नहीं आ सकता, और सी और ए की पोजीशन पहले से ही डिसाइड हो चुकी है, तो कौन सा पर्सन आ सकता है यहां पर मैं, एक ही पर्सन बच गया है ना, वो है ई, तो ई यहां पर मैं आ जाएगा, क्योंकि यहां पर मैं डी नहीं आ सकता, बी भी नहीं आ सकता, ए भी नहीं आ सकता और सी भी नहीं आ सकता, तो ऑब्वियसली सिर्फ ई ही आ सकता है यहाँ पर में, एक ही पर्सन बच गया, वैसे ही यहाँ पर में भी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर में बी भी नहीं आ सकता, डी भी नहीं आ सकता, ए तो आ ही नहीं सकता क्योंकि ए ऑलरेडी यहाँ पर में है, सी भी नहीं आ सकता यहाँ पर में क्योंकि सी ऑलरेडी यहाँ पर में है, तो ई आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर मैं आप लोगों से देखिए क्या पूछा है, डी इज सीटेड नेक्स्ट टू बी, तो डी और बी जो है वो एडजेसेंट बैठे हैं। तो फ्रेंड्स, डी कहीं पे भी आए, डी यहाँ आए या फिर डी यहाँ आए, बी यहाँ पर में आए या फिर बी यहाँ पर में आए, लेकिन डी और बी एक साथ ही एक मतलब आसपास ही बैठेंगे ना, ठीक है, एक दूसरे से नेक्स्ट में ही बैठेंगे, चाहे वो कहीं पे भी आ जाए, तो ये तो बिल्कुल सही है, चाहे डी यहाँ आए या डी यहाँ आए, बैठना तो दोनों को आसपास ही है। सेम केस में यहाँ भी देख लीजिए, डी यहाँ आए या फिर डी यहाँ आए, बी यहाँ आए या फिर बी यहाँ आए, बैठेंगे तो साथ में ही, ओके, तो इसीलिए ये वाला तो बिल्कुल सही है फ्रेंड्स, कोई भी कंडीशन आप उठा लीजिए, डी और बी जो है वो साथ में ही बैठने वाले, इसीलिए मैंने आपको दोनों ही तरीके की डायग्राम दिखा दी है। वैसे इस केस में दोनों डायग्राम सेम बन रही है, लेकिन कई बार क्या होता है अलग अलग तरीके की भी डायग्राम बन जाती है। उसके बाद बोला है ई इज सीटेड नेक्स्ट टू ए, तो देखिए फ्रेंड्स, ई जो है वो ए के साइड में बैठा है, इसमें भी देख लीजिए ई जो है वो ए के साइड में ही बैठा है, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है, ओके। तो फ्रेंड्स,
यहाँ पर मैं आपके दोनों ही जो आप लोगों को स्टेटमेंट दिए थे वो बिल्कुल सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ वन एंड टू आर ट्रू। ओके, आई होप आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई है। डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन नंबर 11, 12 एंड 13। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को चार स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ठीक है? तो देखिए यहाँ पर मैं आपको क्या बोला है, आउट ऑफ फोर फ्रेंड्स ए बी सी डी, ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, बी एंड सी प्ले क्रिकेट एंड हॉकी, ए और डी जो है वो बास्केटबॉल भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, सी और डी जो है वो हॉकी भी खेलेंगे और बास्केटबॉल भी खेलेंगे। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोगों को इस तरह से इंफॉर्मेशन दी गई हो, आप इसे टेबल की मदद से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है? मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो देखिए, आप लोगों को इस तरह से एक टेबल बना देना है, रफ में बनाना है, बहुत जल्दी से, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आप लोगों ने यहाँ पर मैं ऑब्जर्व किया कि आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो दो एंटिटीज़ में दी गई है, एक तो आपको पर्संस दिए गए हैं अलग अलग, और एक आपको दिया गया है स्पोर्ट्स, अलग अलग स्पोर्ट्स यहाँ पर में दिए गए। तो आप ऐसे टेबल बनाओगे, ठीक है? एक जगह पे देखिए ए बी सी डी, यहाँ पर हमने पर्सन लिख दिया है और यहाँ पर हमने स्पोर्ट्स को लिख दिया है, ठीक है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या बोला है पहले स्टेटमेंट में, ए एंड बी प्ले फुटबॉल एंड क्रिकेट, ए और बी जो है वो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, मैं देखिए ए जो है वो फुटबॉल खेलता है, तो हम ए के सामने और फुटबॉल के सामने में यहाँ पर मैं राइट लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से, ओके, ताकि हमें पता रहे कि ए जो है वो फुटबॉल खेलता है। उसके बाद में क्या बोला है, बी भी फुटबॉल खेलता है, तो यहाँ पर में भी हमें राइट लगाना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर में हम राइट लगा देंगे। अब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ फ्रेंड्स, इसीलिए इतना समय लग रहा है, वरना जब आप एक्चुअल एग्जाम में इसे सॉल्व करोगे तो आप बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व कर पाओगे। मैं आपको यहाँ मेथड बता रहा हूँ कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, ओके? तो ध्यान से देखिए, ए ए जो है, ए और बी दोनों ने फुटबॉल खेल लिया, उसके बाद में फ्रेंड देखिए यहाँ पर मैं क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है? तो ए क्रिकेट खेलता है, ठीक है, और बी भी क्रिकेट खेलता है। तो देखिए दोनों के सामने हम लोगों ने यहाँ पर मैं राइट लगा दिया है, ओके? उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, बी और सी जो है वो क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले बी की बात कर लेते हैं, बी जो है वो क्रिकेट खेलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, बी के सामने तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ राइट लगा दिया है, क्योंकि पहले ही हमें बता दिया था कि बी जो है वो क्रिकेट खेलता है, तो वापस से यहाँ राइट लगाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी राइट यहाँ पर में लगा हुआ है। फिर बात आती है सी की, सी भी जो है वो क्रिकेट खेलता है, तो हम यहाँ पर में सी के सामने भी क्रिकेट, सी और क्रिकेट के सामने यहाँ पर में राइट लगा देंगे, ओके? क्रिकेट को हम लोगों ने यहाँ पर में एडजस्ट कर दिया है। अब बारी आती है हॉकी की, तो बी और सी दोनों हॉकी खेलते हैं, तो बी के सामने भी आपको राइट लगाना पड़ेगा और सी के सामने भी, ठीक है? हॉकी वाले कॉलम के अंदर में हम यहाँ पर में बी और सी दोनों के सामने राइट लगा देंगे इस तरह से। आई होप आपको समझ आ गया है कि करना कैसे होता है। अब तो जस्ट हम एग्जाम्पल को जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, बाकी आपको मेथड समझ में आ गई है। आगे देख लेते हैं, ए और डी जो है वो बास्केटबॉल भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं, ठीक है? तो ए और डी, तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं सबसे पहले बास्केटबॉल के सामने ए में भी और डी में भी आप लोगों को राइट लगाना पड़ेगा, बास्केटबॉल हो गया। उसके बाद में बारी आती है फुटबॉल की, तो ए जो है फ्रेंड्स वो तो ऑलरेडी फुटबॉल खेलता है, ये पहले से ही पता है हमें, ठीक है? पहले ही वाले स्टेटमेंट में हमें बता दिया गया था, तो डबल से राइट लगाने की जरूरत नहीं है, पहले से ही राइट लगा हुआ है। अब बारी आती है डी की, डी के सामने भी हमें यहाँ पर में राइट लगाना पड़ेगा, तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पर में राइट लगा दिया है। अब बारी आती है सी और डी प्ले हॉकी एंड बास्केटबॉल, तो ये दोनों हॉकी भी खेलते हैं बास्केटबॉल भी खेलते हैं। तो पहले तो हॉकी की बात कर लेते हैं सी और डी के लिए, तो यहाँ पर मैं देखिए सी जो है वो तो पहले से ही हॉकी खेल रहा है। अब बारी आती है डी की, तो डी के सामने भी हम यहाँ पर मैं राइट लगा देंगे, ठीक है? देखिए यहाँ पर मैं हमने लगा दिया। अब बास्केटबॉल की बारी आती है सी और डी, तो सी जो है वो बास्केटबॉल खेलता है और डी देखिए वो तो ऑलरेडी बास्केटबॉल खेल रहा था, हमें पहले से ही पता है, तो यहाँ पर मैं फिर से राइट लगाने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देख लिया यहाँ पर में कि कौन से प्लेयर कौन कौन से स्पोर्ट्स खेलते हैं, हम लोगों ने यहाँ डिसाइड कर लिया है, ठीक है? अब आप लोग यहाँ पर में देखोगे कि कुछ जो जगह है वो खाली है, तो आप एग्जाम में इसे ऐसे ही एम्प्टी भी छोड़ सकते हो, वरना अगर आप लोग चाहो, ठीक है, आप चाहो तो यहाँ पर में क्रॉस भी लगा सकते हो, ताकि आप लोगों को क्लियरली दिखता रहे कि ये लोग ये वाला स्पोर्ट नहीं खेलते। जैसे कि डी जो है वो क्रिकेट नहीं खेलता, ये डायरेक्टली मुझे यहाँ से दिख रहा है। सी जो है वो फुटबॉल नहीं खेलता, ये डायरेक्टली दिख रहा है। आप चाहो तो इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो, ब्लैंक छोड़ने पर भी हमें समझ में डायरेक्ट आ जाता है। ये तो जस्ट आप लोग कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने ये भी चीज़ बता दी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर मैं देखा कि कैसे इन्फॉर्मेशन को हमने टेबल में कन्वर्ट कर लिया। जब आप टेबल में कन्वर्ट कर लेते हो तो आपको ये जो तीन क्वेश्चन पूछे गए ना वो बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगेंगे। यहाँ पर मैं फ्रेंड्स मैंने एक क्लियर इमेज भी लगा दी है, ताकि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है? ये एक क्लियर इमेज है। नो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। यहाँ पर मैं बोला है हु डज नॉट प्ले हॉकी, इनमें से कौन हॉकी नहीं खेलता है,
ठीक है, तो हॉकी कौन नहीं खेल रहा है फ्रेंड्स, ए हॉकी नहीं खेल रहा है। तो डायरेक्टली हमने कितना इजीली हमारा आंसर जो है यहां पर मैं डिसाइड कर लिया है, ठीक है। तो देखा फ्रेंड्स आप लोगों ने कि कितना इजी होता है अगर आपने एक बार यहां पर मैं टेबल बना लिया तो, ठीक है। डायरेक्टली हमें यहां पर मैं दिख रहा है कि ए जो है वो हॉकी नहीं खेल रहा, क्योंकि ए के सामने यहां पर मैं क्रॉस लगा है। तो कौन हॉकी नहीं खेल रहा है? ए नहीं खेल रहा है, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 12, हु प्लेज फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड हॉकी, ठीक है। बास्केटबॉल भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है और हॉकी भी खेल रहा है। तो फ्रेंड्स बास्केटबॉल, फुटबॉल और हॉकी कौन खेल रहा है? बास्केटबॉल भी खेलना चाहिए, चलिए यहां पर मैं ऐसे लगा देता हूँ, बास्केटबॉल भी खेलना चाहिए, हॉकी भी खेलना चाहिए और फुटबॉल भी खेलना चाहिए। तो कौन खेल रहा है यहां पर मैं देख लेते हैं। देखिए ए जो है वो तो नहीं खेल रहा, ठीक है, हॉकी नहीं खेल रहा है, तो ए तो यहां पर मैं नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। उसके बाद में बी जो है वो बास्केटबॉल नहीं खेल रहा है, ठीक है, तो बी भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद में आप देखोगे कि सी जो है फ्रेंड्स वो आपका फुटबॉल नहीं खेल रहा है, ठीक है, क्योंकि फुटबॉल भी तो चाहिए आपको, तो सी जो है वो फुटबॉल नहीं खेल रहा। तो डी जो है फ्रेंड्स देख सकते हो आपकी फुटबॉल भी खेल रहा है, ठीक है, हॉकी भी खेल रहा है, ठीक है, बास्केटबॉल भी खेल रहा है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर में? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी। वैसे फ्रेंड्स आप डायरेक्टली भी इसका आंसर यहाँ पर में देख सकते थे, ठीक है, कि कौन ये खेल रहा है। मैंने जानबूझकर नीचे से यहाँ स्टार्ट किया ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूं कि किस तरह से हमें आंसर डिसाइड करना होता है, ठीक है। बहुत ईजी होता है, बस एक बार आपका टेबल बन जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी। क्वेश्चन नंबर 13, विच गेम डू बी सी डी प्ले, ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा गेम है जिसको बी ने भी खेलना चाहिए। चलिए मैं कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझा सकूं, ठीक है। तो वो गेम बी ने भी खेलना चाहिए, सी ने भी खेलना चाहिए और डी ने भी खेलना चाहिए, ओके। तो देख लेते कि कौन सा ऐसे गेम है जो बी सी और डी खेल रहे हैं। तो आप लोग यहां पर मैं देख सकते हो फ्रेंड्स के बी सी और डी, ठीक है, कौन सा गेम खेल रहे हैं? हॉकी। यहां पर मैं आप देखिए बी भी खेल रहा है, सी भी खेल रहा है और डी भी खेल रहा है, सिर्फ ए नहीं खेल रहा। और ये यहाँ पर मैं दिया हुआ भी नहीं था हमें, ठीक है, ये लिस्ट जो दी गई थी ना बी सी डी वाली, इसमें तो ए था ही नहीं। तो बी सी और डी कौन सा गेम खेल रहा है साथ में? हॉकी खेल रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हॉकी, ठीक है, इजी था ना, ठीक है। और आई होप फ्रेंड्स आप लोग आगे आने वाली जो आपकी एग्जाम है उसमें ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो बहुत ही इजीली अब इन्हें सॉल्व कर पाओगे। नो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि हमारी मेहनत आप लोगों को पसंद आ रही है और ऐसे ही और भी वीडियोस आप लोगों के लिए हमें बनाने हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रेंड्स यहां पर हमें बोला है गीता इज ओल्डर देन हर कजिन मीना, गीता जो है वो अपनी कजिन मीना से बड़ी है। तो कैसे बताएंगे हम यहां पर में? देखिए यहां पर में गीता हमने बना दिया, गीता जो है वो मीना से बड़ी है, ये हम लोगों ने यहां पर में दिखा दिया। आप लोग यहां देख सकते हो हमने ग्रेटर का साइन गीता की तरफ में लगाया है, मतलब गीता बड़ी है, मीना छोटी है, ऐसे ही आप लोगों को पेपर में करना है। मीनाज ब्रदर बिपिन इज ओल्डर देन गीता, तो मीना का जो भाई है बिपिन वो गीता से बड़ा है। तो हमें फिर से यहां पर में एक ग्रेटर का साइन दिखाना पड़ेगा और ग्रेटर का साइन किसके तरफ में? बिपिन के तरफ में, मतलब बिपिन जो है वो गीता से भी बड़ा है। तो बिपिन सबसे बड़ा है, गीता उससे छोटी है और सबसे छोटी कौन है? मीना है। ये हमें यहां पर में मिल गया है। फिर बोला है व्हेन मीना एंड बिपिन विजिट गीता, जब भी मीना और जो बिपिन है वो गीता के तरफ में जाते हैं तो वो चेस खेलना पसंद करते हैं। मीना विंस द गेम मोर ऑफन देन गीता, मतलब मीना जो है वो गीता से ज्यादा गेम जीतती है। मीना ज्यादा गेम जीतती है किससे? गीता से, ओके। यहां पर मैं कंपैरिजन किस किस का दिया है? मीना का और गीता का दिया है, यहां पर मैं बिपिन की बात हुई नहीं है। अगर आप मीना और गीता को कंपेयर करोगे तो यहां पर मैं मीना जो है वो ज्यादा गेम जीतती है, बस यही बताया गया है, बिपिन के बारे में कोई बात नहीं की गई है। बेस्ड ऑन दी अबव इन्फॉर्मेशन फोर कंक्लूजन एज गिवन बिलो हैव मेड, यहां पर मैं चार कंक्लूजन बनाया गया है। आपको बताना है कि कौन सा वाला यहां पर मैं जो स्टेटमेंट है या कंक्लूजन है वो लॉजिकली फॉलो हो रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स जब आप यहां पर मैं सारे ऑप्शन पढ़ोगे ना तो आपको डायरेक्टली यहां समझ में आ जाएगा कि मीना इज द यंगेस्ट ऑफ थ्री। देखिए यहां पर मैं आपको दिख रहा है कि मीना जो है वो सबसे ज्यादा छोटी है, यहां पर मैं मीना इज यंगेस्ट ऑफ द थ्री। तो आपको आपका आंसर तो मिल गया है कि ऑप्शन नंबर थ्री है, ठीक है, आपको आपका आंसर मिल गया है। लेकिन फ्रेंड्स हम यहां पर मैं प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए मैं आपको बाकी के ऑप्शन भी बता देता हूँ कि क्यों ये गलत है, ओके, ताकि आप लोग एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सके। वाइल प्लेइंग चेस विद गीता एंड मीना बिपिन ऑफन लॉस, गीता और मीना के साथ में खेलते समय बिपिन जो है वो ज्यादातर समय हार जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पर मैं मीना के जीतने की बात की गई है, किससे ज्यादा जीतती है? गीता से ज्यादा जीतती है, लेकिन बिपिन जो है वो ज्यादा हारता है गीता या मीना के साथ में, ये यहां पर मैं बताया नहीं गया,
हारता है या जीतता है ये भी नहीं बताया गया है। तो फ्रेंड्स ये वाला कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें सही सही दी नहीं गई है, तो ये वाला तो ऑप्शन फॉलो नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पर मैं समझ में आ गया कि ये क्यों हमारा फॉलो नहीं होगा। उसके बाद में आपको बोला है गीता इज द ओल्डेस्ट अमंग थ्री, गीता जो है वो सबसे बड़ी है। यहाँ पर मैं देखिए गीता सबसे बड़ी है क्या? नहीं, विपिन सबसे बड़ा है, तो ये वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर बोला है गीता हेट्स टू लूज द गेम, अब गीता को हारना पसंद नहीं है, ऐसी तो कहीं यहाँ पर मैं हमें इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है ना। तो ये इस तरह के जो ऑप्शन होते हैं ना फ्रेंड्स, उसको तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो, कोई मतलब ही नहीं होता है। ओके, ज्यादातर क्वेश्चन में आपको ऐसा कोई ना कोई एक ऑप्शन मिल जाएगा जिस जो आप पढ़ते से ही समझ जाओगे कि वो हो ही नहीं सकता आंसर। ठीक है, तो देखिए हमने तीनों को एलिमिनेट कर दिया, तो हमारा आंसर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी, मीना इज द यंगेस्ट ऑफ द थ्री, यहाँ पर मैं मीना जो है वो सबसे छोटी है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर भी निकाल लिया है। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आप लोगों को 6 फिगर्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि लॉजिकली 7th प्लेस पर कौन सी फिगर आ सकती है। ठीक है, ये चार में से कौन सी फिगर यहाँ पर मैं आ सकती है। अगर आप ध्यान से देखो फ्रेंड्स तो आप लोगों को यह समझ में आएगा कि पहली फिगर के अंदर में एक सर्कल दिया है, दूसरे फिगर में एक बॉक्स दिया है, सर्कल बॉक्स। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर मैं सर्कल और बॉक्स जो है वो हर अल्टरनेट इमेज के अंदर में चेंज हो रहा है। ओके, तो ये तो आपको समझ में आ गया फ्रेंड्स कि जो 7th वाली इमेज होगी उसके अंदर में एक सर्कल आने वाला है, तो डायरेक्टली आपका एक ऑप्शन जो है वो तो एलिमिनेट हो गया, तो आप इसको एलिमिनेट कर दोगे। अगर आपको आंसर नहीं भी समझ रहा है और आपको लगता है कि आपका कट ऑफ नहीं निकल सकता या थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इसमें से कोई एक एजुकेटेड गेस लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन वो बहुत एक्सट्रीम कंडीशन है, मैं आपको बता भी देता हूं यहां पर मैं कि लॉजिकली आंसर क्या होना चाहिए। देखिए यहां पर मैं अगर आप ठीक से इन फिगर्स को देखोगे फ्रेंड्स तो आपको समझ में आएगा कि पहली जो फिगर है, ठीक है, फोर्थ फिगर बिल्कुल उसके जैसी दिख रही है, सिर्फ यहां पर मैं सर्कल की जगह पे बॉक्स लगा दिया गया है। ठीक है, आप लोग देखिए यहां पर मैं जिस तरह से यहां पर मैं एरो जो है वो मार्क किए गए हैं, वैसे ही एरो यहां पर मैं मार्क किए गए फोर्थ नंबर पे। इसके बाद में आप एक और चीज ऑब्जर्व करोगे कि सेकेंड नंबर पे जो फिगर आपको दिया गया है उसमें जैसे एरो है बिल्कुल वैसे ही एरो फिफ्थ नंबर की इमेज के अंदर में है ना। आप लोग ध्यान से देखिए यहां पर मैं देखिए बिल्कुल सेम तरह के एरो फिफ्थ इमेज में दिए गए हैं, और वैसे ही फ्रेंड्स थर्ड नंबर की जो फिगर है उसमें जैसे एरो दिए गए हैं वैसे ही एरो यहां पर मैं आपको सिक्स नंबर पर दिए गए हैं। ठीक है, तो पहले के जो एरोज है वो फोर्थ में रिपीट हुए हैं, सेकंड के एरो जो है वो फिफ्थ में रिपीट हुए हैं, थर्ड के एरो जो है वो सिक्स में रिपीट हुए हैं, तो अब फोर्थ नंबर के जो एरो है वो सेवंथ नंबर पर रिपीट होंगे। मतलब हर फोर्थ नंबर पे जो है वो रिपीटेशन शुरू हो गया है, तीन है फिर उसके बाद में फिर से रिपीट हुए हैं, फिर उसके बाद फिर से रिपीट होंगे। ओके, लेकिन यहां पर मैं क्या होगा फ्रेंड्स, आप लोग देख पा रहे हो कि सर्कल की जगह पे बॉक्स आ रहा है, तो यहां पर मैं बॉक्स है फोर्थ नंबर पे, तो अब इस बार क्या आएगा? सर्कल आएगा। ठीक है, तो सर्कल तो आएगा हमें तो पता है, लेकिन कौन से एरो आएंगे? ये वाले, ठीक है, जो फोर्थ नंबर की इमेज में दिए, क्योंकि फर्स्ट वाली जो फिगर है उसके अंदर में भी इसी तरह के एरो थे फोर्थ में भी, अब सेवंथ में भी ऐसे ही एरो आएंगे। तो ये ऐसे एरो कहां पर मैं दिया आपको, देखिए यहां पर मैं सारे ऑप्शन चेक कीजिए और आप लोग डिसाइड कीजिए कि आंसर क्या होगा। यहां पर मैं देखिए, ठीक है, इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल सर्कुलर यहां पर मैं मूव हो रहा है, तो देखिए यहां पर मैं भी सर्कुलर हो रहा है, तो हमारा जो आंसर है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां पर मैं आप लोग ध्यान से देख पा रहे हो, तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, यहां पर मैं आपको बोला है ए बी सी डी एंड ई बिलोंग टू 5 डिफरेंट सिटीज, और सिटीज के नाम कौन कौन से है? पी क्यू आर एस एंड टी, ईच वन ऑफ देम कम्स फ्रॉम डिफरेंट सिटी, फर्दर इट इज गिवन दैट बी एंड सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू, बी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू पी एंड आर, ए एंड सी डू नॉट बिलोंग टू आर एस एंड टी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको इस वीडियो में पहले भी बताया था कि जब भी आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो आप क्या करोगे, जल्दी से रफली एक ऐसा टेबल बना दूंगे। ओके, बहुत ज्यादा सजाना नहीं है टेबल को, आप रफ रफ बना देना जल्दी जल्दी। ओके, तो अब देखिए यहां पर मैं जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई है ना उसको हम यहाँ प्लेस करते जाते हैं। हमें सबसे पहले क्या बोला है, बी एंड सी डू नॉट बिलोंग टू क्यू, तो बी और सी जो है वो क्यू से बिलोंग नहीं करते, तो हम उनके सामने में यहां पर मैं क्रॉस लगा देंगे इस तरह से। ठीक है, बी जो है वो क्यू से बिलोंग नहीं करता और सी जो है वो भी क्यू से बिलोंग नहीं करता। ओके, इस तरह से हमने यहां काट दिया। फिर आगे बोला है आपको बी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू पी एंड आर, ठीक है, तो बी और ई जो है पी और आर से बिलोंग नहीं करते, तो एक एक करके हम यहां पर मैं काट देंगे। बी पी से बिलोंग नहीं करता, तो ठीक है यहां पर मैं काट दिया, और ई जो है वो भी पी से बिलोंग नहीं करता, ठीक है काट दिया। अब आर की बारी है, आर को भी देख लेते हैं, आर बी पे बी जो है वो आर से बिलोंग नहीं करता और ई भी आर से बिलोंग नहीं करता, ये हम लोगों ने यहां पर मैं काट दिया है। ए एंड सी डू नॉट बिलोंग टू आर एस एंड टी, ठीक है, तो सबसे पहले हम ए की बात कर लेते हैं। आप कैसे भी ले सकते हो, आप सिटी को लेकर
चल सकते हो या फिर पर्सन को लेकर, या फिर दोनों की मिक्सिंग भी कर सकते हो, जैसे भी सुटेबल है। ए जो है वो आर, एस और टी से बिलोंग नहीं करता, तो ए जो है वो आर से बिलोंग नहीं करता, एस से बिलोंग नहीं करता और टी से भी बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तीनों जगह पर आपने काट दिया है। और कौन बोला है, सी भी आर एस टी से बिलोंग नहीं करता, तो सी देखिए यहां पर मैं आर से भी बिलोंग नहीं करता, एस से भी बिलोंग नहीं करता और टी से भी बिलोंग नहीं करता। ठीक है, आगे मैं आपको क्या बोला है, ए एंड ई, सॉरी डी एंड ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टी। ठीक है, डी जो है वो क्यू से बिलोंग नहीं करता और टी से भी बिलोंग नहीं करता। तो सबसे पहले इसी को ले लेते हैं, डी जो है वो क्यू और टी से बिलोंग नहीं करता। तो चलिए यहां पर मैं हमने क्यू को इस तरह से काट दिया है और टी से भी बिलोंग नहीं करता, तो टी पर भी हम यहां पर इस तरह से क्रॉस लगा देंगे। ओके, उसके बाद में बोला है ई डू नॉट बिलोंग टू क्यू एंड टी, तो ई भी जो है वो क्यू और टी से बिलोंग नहीं करता, तो यहां पर मैं क्यू कट जाएगा और यहां पर मैं टी भी कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास में अब खत्म हो गई है, सारी इंफॉर्मेशन को हमने यहां पर में लगा दिया है। अब हम इसको आगे कैसे बढ़ाएं, वही पर्सन आगे इस क्वेश्चन को बढ़ा पाएगा जिसने थोड़ा सा भी इसको ऑब्जर्व किया है। यहां पर मैं देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या बोला है कि हर पर्सन जो है वो एक कोई तो भी सिटी से बिलोंग करता है। अब आप ई को देखिए, यहां पर मैं ई जो है वो पी से बिलोंग नहीं करता, क्यू से नहीं करता, आर से नहीं करता और टी से भी नहीं करता, सिर्फ एस से कर सकता है या नहीं कर सकता इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। लेकिन एक ही तो शहर बच गया है जहां से ई बिलोंग कर सकता है, तो यहां पर मैं हम डायरेक्टली बोलेंगे कि ई जो है वो एस से बिलोंग करता है क्योंकि एक ही शहर बचा है इसके लिए। ठीक है, तो अब देखिए, अगर ई जो है वो एस से बिलोंग करता है तो कोई और पर्सन एस से बिलोंग कर सकता है क्या, ये मुझे आप सोच के बताइए, कोई और कर सकता है क्या? क्योंकि यहां पर मैं बोला है कि एक पर्सन एक ही सिटी से बिलोंग करता है, दूसरी सिटी से बिलोंग नहीं करता होगा। ओके, कोई और पर्सन उस सिटी से बिलोंग नहीं करेगा, तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां पर मैं बाकी सभी जगह पर, ठीक है चलिए मैं दूसरे कलर से काट देता हूं ताकि आपको ध्यान रहे। तो देखिए यहां पर मैं हमने बाकी सभी जगह पर एस को कैंसिल कर दिया क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एस से अब कोई और बिलोंग नहीं कर सकता। ठीक है, अब फ्रेंड्स देखिए, आप बी को ले लीजिए। देखिए यहां पर मैं बी के पास में, बी को अगर आप यहां पर मैं ध्यान से देखोगे फ्रेंड्स, तो बी के लिए एक ही जगह बच गई है टी, तो बी जो है वो टी से बिलोंग करेगा, तो हम यहां पर मैं टी के सामने इस तरह से राइट लगा देते हैं। ठीक है, तो बी जो है वो टी से बिलोंग करता है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर मैं, आप देखिए सिटी आर, आर से ए भी बिलोंग नहीं कर रहा, बी भी बिलोंग नहीं कर रहा, सी भी नहीं कर रहा है और ई भी बिलोंग नहीं कर रहा है, तो एक ही पर्सन बच जाता है जो आर से बिलोंग कर सकता है, आर से आ सकता है, तो कौन है वो, वो है डी, तो यहां पर मैं आ जाएगा डी, डी के सामने हम यहां पर मैं राइट लगा देंगे। ओके, आई होप आपको समझा कि क्यों मैंने डी के सामने लगाया, क्योंकि ना ए बिलोंग कर रहा है, ना बी, ना सी, ना ई, कोई ना कोई एक पर्सन तो करना ही चाहिए ना आर से बिलोंग। ठीक है, इसीलिए हमने यहां पर मैं डी के सामने राइट लगा दिया है। अब अगर डी जो है वो आर से बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली फ्रेंड्स वो यहां पर मैं पी से बिलोंग तो नहीं कर सकता, कोई एक ही शहर है जिससे वो बिलोंग कर सकता है, तो हम यहां पर मैं डी के सामने और पी के सामने, ठीक है, डी और पी का जो यहां पर मैं इंटरसेक्शन हो रहा है उसको हम क्रॉस कर देंगे। ओके, तो यहां पर मैं देखिए हमने इसको यहां इस तरह से क्रॉस कर दिया। ठीक है, अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, सी पर देखिए, आप सी पर वो क्यू से बिलोंग नहीं कर सकता, आर से नहीं कर सकता, एस से भी नहीं कर सकता और टी से भी बिलोंग नहीं कर सकता, तो एक ही शहर बच जाता है उसके लिए, वो है आपका पी। ठीक है, तो पी के सामने हम यहां पर में इस तरह से राइट लगा देंगे। ठीक है, ये समझ गया आपको। नाउ फ्रेंड्स एक चीज आप ऑब्जर्व कीजिए कि अगर पी से सी जो है वो बिलोंग कर रहा है तो क्या ए उससे बिलोंग कर सकता है पी से? नहीं कर सकता, क्योंकि एक शहर से एक ही पर्सन बिलोंग कर सकता है और सी जो है वो पी से बिलोंग कर रहा है, तो ए जो है उससे, ए जो है वो पी से बिलोंग नहीं कर सकता, इसीलिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां पर मैं ए के सामने काट देंगे। वैसे भी मैंने आपको यहां पर मैं भी बताया था फ्रेंड्स कि अगर एक पर्सन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर सिटी से बिलोंग कर रहा है तो बाकी का कोई भी पर्सन उस सिटी से बिलोंग नहीं करेगा, तो इसीलिए हमने यहां पर मैं ए के सामने और पी के सामने जो सेल थी उसको यहां पर मैं हमने काट दिया है, तो ए के लिए सिर्फ एक ही जगह बच जाती है जहां से वो बिलोंग कर सकता है, वो है आपका क्यू। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पर मैं, आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हमने ये डिसाइड किया कि कौन सा पर्सन किस सिटी से बिलोंग करता है। ए जो है वो क्यू से बिलोंग करता है, बी टी से, सी पी से, डी आर और ई जो है वो एस से। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहां पर मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट यहां करेक्ट नहीं है? पहला है सी बिलोंग्स टू पी, तो देखिए सी जो है वो पी से बिलोंग करता है, ये तो बिल्कुल सही है, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि यहां आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो फ्रेंड्स प्लीज इस नॉट को ध्यान से पढ़ा कीजिए,
आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप इसके नीचे में अंडरलाइन कर दे, ठीक है, डार्क से अंडरलाइन कर देना, ताकि आपको ध्यान रहे कि नॉट पूछा है यहाँ पर में। वरना क्या होता है, कई बार हम देखते हैं कि हाँ सी से, सी टू बी, पी से बिलोंग कर रहा है, तो हम डायरेक्टली आंसर को मार्क करके बढ़ जाते हैं आगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि गलत वाला हमसे पूछा है। डी बिलोंग्स टू पी, डी जो है वो, सॉरी यहाँ डी बिलोंग्स टू आर, तो डी जो है वो आर से बिलोंग करता है, ठीक है। तो देखिए ये भी बिल्कुल सही है फ्रेंड्स कि डी जो है वो आर से बिलोंग करता है, ओके, तो ये वाला भी सही है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर बोला है ए बिलोंग्स टू क्यू, ए जो है वो क्यू से बिलोंग कर रहा है, तो ये भी बिल्कुल सही है, इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा डायरेक्टली, लेकिन फिर भी इसको चेक कर लेते हैं। बी बिलोंग्स टू एस, तो देखिए बी जो है वो एस से नहीं फ्रेंड्स, वो टी से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर मैं, एस से नहीं टी से बिलोंग कर रहा है बी, तो यहाँ पर मैं ये वाला जो स्टेटमेंट दिया है वो गलत है, और गलत वाला ही आपसे पूछा था, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो है वो गलत है, बी जो है फ्रेंड्स वो कहाँ से बिलोंग करता है, वो टी से बिलोंग करता है, ना कि एस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बोला है सेवन मैन ए बी सी डी ई एफ एंड जी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू इन दैट ऑर्डर, मतलब इसी ऑर्डर में ये लोग यहाँ पर में खड़े हुए हैं, तो हम इनको अरेंज कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है, यहाँ पर हमने इनको अरेंज कर दिया और ये सेम ऑर्डर में है, मतलब इस तरफ में ये लोग देख रहे हैं एक लाइन में, ओके, ये इनकी डायरेक्शन है, इनकी फेसिंग इधर में है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप लोग समझ सकते हो कि ए जो है वो इनमें से किसी को भी नहीं देख पाएगा क्योंकि इनकी फेसिंग इधर में है, इस क्यू में खड़े हैं ये लोग। उसके बाद में बी जो है फ्रेंड्स वो सिर्फ ए को देख पाएगा क्योंकि बाकी सभी लोग इसके पीछे में है, सी बी और ए को देख पाएगा, बाकी किसी को भी नहीं देख पाएगा, ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई है। उसी तरह से जी जो है वो इन सभी लोगों को देख पाएगा क्योंकि जी सबसे लास्ट में है। अब आपको यहाँ पर मैं आगे बोला गया है ईच वन इज वेयरिंग अ कैप ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, यहाँ पर मैं अलग अलग कलर आपको दिए गए हैं और हर पर्सन जो है वो एक डिफरेंट कलर की कैप पहनता है, कलर आपको यहाँ पर मैं दिए गए हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है और लास्ट में आपसे बोला गया है कलर ऑफ द कैप वॉर्न बाय एफ, एफ कौन से कलर की कैप पहनता है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, ये आप लोगों को बताना है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग ऐसी इन्फॉर्मेशन ढूंढिए जो एकदम सटीक हो, ओके, जो आप लोग डायरेक्टली बोल सकते हो कि हाँ ये इन्फॉर्मेशन आप लोग प्लेस कर पाओगे। जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बोला गया है ई इज वेयरिंग एन इंडिगो कलर कैप, तो ई जो है वो इंडिगो कलर की कैप पहनता है, तो डायरेक्टली आप यहाँ पर मैं लिख सकते हो ना, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यहाँ पर मैं लिखने में कि ई जो है वो इंडिगो कलर की कैप पहनता है, तो ई के सामने हम डायरेक्टली इंडिगो लगा देंगे। जो सटीक इन्फॉर्मेशन है वो आप लोग डायरेक्टली लिख देना यहाँ पर में। उसके बाद में आपको यहाँ पर में एक और इन्फॉर्मेशन दी गई है, जी कैन सी कैप्स ऑफ ऑल कलर्स अदर देन ऑरेंज, जी जो है वो सभी कलर की कैप को यहाँ पर मैं देख पा रहा है, सिर्फ ऑरेंज कलर की कैप को नहीं देख पा रहा। अब एक चीज आप लोग यहाँ पर मैं नोटिस कीजिए, अगर जी सभी कलर की कैप को देख पा रहा है सिर्फ ऑरेंज कलर की कैप को छोड़ के, तो जी ने कौन से कलर की कैप पहनी होंगी फ्रेंड्स, ऑब्वियसली ऑरेंज कलर की कैप पहनी होंगी, तभी तो वो खुद की कैप को नहीं देख पाएगा और बाकी कलर की कैप को देख पा रहा है, ओके, तो ऑरेंज क्योंकि जी से पीछे तो और कोई खड़ा नहीं है, तो ऑब्वियसली जी ही है वो पर्सन जिसने ऑरेंज पहना है, इसलिए वो खुद की कैप नहीं देख पा रहा, बाकी सभी लोगों की कैप जो है वो देख लेगा आराम से। ये चीज आपको समझ में आ गई। एक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मैं और दी गई है, यहाँ पर मैं बोला है ई कैन सी वायलेट एंड येलो बट नॉट रेड, जो ई है वो रेड कलर की कैप नहीं देख पाएगा, तो कौन सी दो कंडीशन है जब ई रेड कलर की कैप नहीं देख पाएगा, एक तो उसने खुद ने रेड कलर की कैप पहनी होनी चाहिए तभी वो नहीं देख पाएगा, लेकिन हमें पता है कि ई ने तो रेड कलर की कैप नहीं पहनी, उसने इंडिगो कलर की कैप पहनी है, तो फ्रेंड्स दूसरी जो कंडीशन है वो यहाँ पर मैं अप्लाई होगी कि रेड कलर वाली कैप जिसने पहनी है वो पर्सन ई के पीछे में खड़ा है, ओके, तभी तो ई उसको नहीं देख पाएगा। तो आप देख सकते हो कि ई के पीछे में दो लोग हैं, एफ और जी, तो जी जो है वो तो ऑरेंज कलर की कैप पहनता है, तो एफ कौन से कलर की कैप पहनेगा फ्रेंड्स, वो पहनेगा रेड कलर की, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई, क्योंकि इसी कंडीशन में एफ जो ई है वो रेड कलर को नहीं देख पाएगा जब रेड जो है वो एफ के पीछे में हो या फिर उसके सामने हो। उसके उसने खुद ने कौन से कलर की कैप पहनी है, उसने इंडिगो कलर की पहनी है, तो यहां पर मैं रेड नहीं आ सकता, तो एफ के पास में रेड चला जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स एफ ने कौन से कलर की कैप पहनी है, एफ ने पहनी है रेड कलर की कैप, तो ये आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 18, यहां पर हमें बोला गया है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अ प्राइमरी ग्रुप इज रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज, एक प्राइमरी ग्रुप जो होता है वो जनरली छोटे साइज का होता है, इंटीमेसी इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप, इंटीमेसी का मतलब होता है फ्रेंड्स क्लोज फैमिलियरिटी, मतलब कि आप एक दूसरे को अच्छे से जानते हो, तो ये एक इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है एक प्राइमरी ग्रुप का, अ फैमिली मे बी एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप, जो फैमिली होती है वो
प्राइमरी ग्रुप का एग्जाम्पल हो सकती है। यहाँ पर मैं देखिए मे का इस्तेमाल किया गया है, ओके होगी ही ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पर मैं बोला गया है अ फैमिली मे बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप, हो सकती है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ओके लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऑल फैमिलीज आर प्राइमरी ग्रुप्स। अब देखिए फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको जो थर्ड नंबर का स्टेटमेंट दिया गया है उसमें साफ साफ बोला गया है अ फैमिली मे बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी ग्रुप, लेकिन ये नहीं बोला गया है कि सारी की सारी फैमिलीज जो है वो प्राइमरी ग्रुप ही होगी, ओके तो इसीलिए हमें ये जो स्टेटमेंट दिए जाते हैं ना वो बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। तो देखिए यहां पर मैं ऑल फैमिलीज आर प्राइमरी ग्रुप डायरेक्ट डायरेक्ट बोला जा रहा है, जबकि ऐसा कोई इंडिकेशन यहां पर मैं दिया नहीं गया कि सारे के सारे फैमिली प्राइमरी ग्रुप होंगे, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिर बोला है ऑल प्राइमरी ग्रुप्स आर फैमिलीज, तो फ्रेंड्स फिर से वही बात आ गई है कि सारे के सारे प्राइमरी ग्रुप जो है वो फैमिली है, लेकिन यहां पर मैं आप देखोगे तो यहां क्या बोला है कि फैमिली जो है वो प्राइमरी ग्रुप हो सकती है, तो कुछ प्राइमरी ग्रुप भी फैमिली हो सकते हैं, लेकिन सारे के सारे प्राइमरी ग्रुप जो है वो फैमिली ही हो गए ये नहीं बोला जा सकता, ओके क्योंकि ये साफ साफ हमें यहां पर बताया नहीं गया है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम इसको एकदम सही है ये नहीं बोल सकते, तो ये वाला भी हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि डायरेक्टली ये स्टेटमेंट में हमें नहीं बोला गया है। उसके बाद में देखिए अ ग्रुप ऑफ स्मॉलर साइज इज ऑलवेज अ प्राइमरी ग्रुप। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको यहां पर मैं क्या बोला है कि अ प्राइमरी ग्रुप इज रिलेटिवली स्मॉलर इन साइज, मतलब प्राइमरी ग्रुप जो है वो छोटे साइज का होता है, लेकिन ये नहीं हम यहां पर मैं बोल सकते हैं कि हर छोटे साइज का जो ग्रुप है वो प्राइमरी ग्रुप है, ओके यहां पर मैं ये बोला गया है कि प्राइमरी ग्रुप छोटे साइज का होता है लेकिन हर छोटे साइज का कोई भी ग्रुप है वो प्राइमरी ग्रुप बन जाएगा, ऐसे साफ साफ यहां पर मैं नहीं बोला गया है, इसीलिए इसको भी हम ट्रू नहीं मान सकते, ओके इसी के साथ फ्रेंड्स मैं आपको एक और टिप यहां पर मैं देना चाहूंगा कि जहां पर मैं भी ऑलवेज, ऑल, ठीक है, नेवर इस तरह के शब्द आते हैं ना वहां पर मैं आपको अलर्ट हो जाना है, ठीक है, उस सेंटेंस को अच्छे से पढ़ना है, देखना है कि कहीं इस ऑप्शन के अंदर में बहुत ज्यादा अति तो नहीं की जा रही है, ठीक है, उसको आपको चेक करना है। तो जब भी ऑलवेज, ऑल, नेवर, ठीक है, इस तरह के शब्द आते हैं तब वहां पर मैं थोड़ा आपको अलर्ट होकर आंसर को सिलेक्ट करना है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसके बाद में फ्रेंड्स एक ही ऑप्शन बच जाता है, ऑप्शन नंबर डी, यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको इसे एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि क्यों ये हमारा आंसर है। यहां पर मैं देखिए आपको बोला है मेंबर्स ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप नोन नो ईच अदर इंटीमेटली, और आप अगर से स्टेटमेंट नंबर टू देखोगे तो यहां साफ साफ बोला गया है कि इंटीमेसी इज एन इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्राइमरी ग्रुप, तो एक प्राइमरी ग्रुप के जो मेंबर हो गए वो एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे क्योंकि ये इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके बिना प्राइमरी ग्रुप नहीं हो सकता अगर इंटीमेसी नहीं है तो, मतलब अगर एक दूसरे के साथ में फैमिलियरिटी नहीं है, एक दूसरे को जानते नहीं है तो ये प्राइमरी ग्रुप नहीं हो सकता, तो सारे के सारे प्राइमरी ग्रुप के मेंबर जो है वो एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं इंटीमेटली, तो ये बिल्कुल सही है, ओके ये हम यहां पर मैं कंक्लूड कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को सही मान सकते हैं, ओके आई होप फ्रेंड्स आपको समझ गया होगा कि क्यों हम लोगों ने इसको ऑप्शन नंबर डी सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर मैं आपको बोला है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर 1, 2, 3 एंड 4, ओके फिर बोला है आपको कि ये जो चार फिगर है यहां पर मैं कुछ तो भी रेगुलर जो है चेंज हो रहा है, ओके कुछ चीज यहां पर मैं चेंज हो रही है और उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपको बताना है कि फिफ्थ नंबर पे कौन सी इमेज आ सकती है, ठीक है, तो फ्रेंड्स बार बार आपको ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक बार अगर से समझ गए कि यहां पर मैं बोला क्या जाता है तो आपको एग्जाम में ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यहां पर मैं हमें बेसिकली बताना है कि फिफ्थ नंबर पे कौन सी इमेज आएगी। अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, आप लोग यहां पर मैं ध्यान से देखिए, पहली इमेज में आप देखोगे तो ये जो ट्रायंगल है ये यहां है और जो ये सन टाइप की एक इमेज आपको दिखाई दे रही है ये अंदर में यहां पर है। सेकेंड इमेज में आप देखिए ये जो ट्रायंगल था ये नीचे आ गया है, ठीक है, नीचे आ गया लेकिन एक्सट्रीम कॉर्नर वाले इसके अंदर में ही नीचे आ गया है, और जो सन टाइप वाली आपकी इमेज थी वो देखिए ये नीचे आ गई है उसके नीचे में, लेकिन अंदर वाले ये जो बॉक्स है उसके अंदर में ही। उसके बाद आप देखिए फ्रेंड्स कि ये जो ट्रायंगल था ये और नीचे तो यहां बाहर नहीं जा सकता था, तो ये जो पॉसिबल उसके नीचे वाला जो बॉक्स था उसके अंदर में आ गया है, ठीक है, यहां देखिए आप यहां था पहले अब यहां आ गया है, और ये जो आपका सन था वो उस बॉक्स के अंदर में ही, अंदर वाले बॉक्स के अंदर में ही और नीचे चला गया है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में। उसके बाद में आप देखिए थर्ड से फोर्थ में क्या चेंज आया है, सबसे पहले तो आपको ये जो आपका सन है ये और ऊपर जाते हुए दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर में, है ना, घड़ी की उल्टी दिशा के अंदर में यहां पर मैं आपको जाते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद में आप यहां पर मैं देखिए ये जो ट्रायंगल है ये और नीचे आ गया है, ओके जिगजैग होते हुए ये यहां पर मैं एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो फ्रेंड्स अब हमको समझ में आ गया कि यहां पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है,
ये जो ट्राइंगल है ये zigzag होते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, और जो आपका सन है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है लेकिन सिर्फ अंदर वाली डायग्राम के अंदर में, अंदर वाले पोजिशन में। तो यहाँ पर में जो आपका सन है वो अब यहाँ आने वाला है ना फिफ्थ पोजिशन के ऊपर में। तो जो भी आपकी ऐसी डायग्राम है जो आपको लगता है कि गलत है उसको आप पहले ही काट दीजिए, ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप देखिए कि सन आपको यहाँ चाहिए और जो ट्राइंगल है वो आपको यहाँ चाहिए, तो ये कहाँ पर में दिया है, ये आपको दिया है डायग्राम नंबर बी के अंदर में। तो आपका आंसर हो जाएगा डायग्राम बी। देखिए यहाँ पर में ध्यान से सन यहाँ पर में आ गया है इसके ऊपर में घूमते हुए एंटी क्लॉकवाइज, और ये जो ट्राइंगल है ये जिगजैग होते हुए यहाँ पर में आ गया है। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई है। नो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 20 और 21 के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, बिल्कुल हमें जो पहले इंस्ट्रक्शन दिए गए थे पिछले क्वेश्चन में वैसे ही इंस्ट्रक्शन यहाँ पर में भी है। यहाँ पर में भी आपको फ्रेंड्स चार फिगर्स दिए गए हैं, ओके, जिनको प्रॉब्लम फिगर्स बोला गया है, ओके। उसके बाद में फ्रेंड्स आपको चार और फिगर्स दिए गए हैं जिनका नाम रखा गया है आंसर फिगर। आपको बताना है कि फिफ्थ नंबर पे जो फिगर आएंगी वो कौन सी फिगर होने वाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस आपको ये बताना है कि पांचवें नंबर पे या फिर नेक्स्ट नंबर पर कौन सी फिगर आ सकती है। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन से आपको इंस्ट्रक्शन और अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको बोला है कि ये प्रॉब्लम फिगर्स है, ये चार जो फिगर है ये प्रॉब्लम फिगर्स है, और यहाँ पर में चार और फिगर्स दी गई है जिनका नाम लिखा गया है आंसर फिगर्स। तो इन चार आंसर फिगर्स में से आपको एक फिगर चूज करना है जो कि यहाँ फिफ्थ नंबर पे आ सकती है। अब आप यहाँ पर में देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या दिया है, एक ट्राइंगल दिया है, एक एरो दिया है, और एक यहाँ पर में एक सर्कल दिया है जिसके अंदर में इस तरह से एक मार्क लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर में प्लस का साइन लगा हुआ है। अब आप देखोगे फ्रेंड्स कि चारों ही प्रॉब्लम फिगर के अंदर में ये सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। सबसे पहला चेंज आपको ये दिख रहा है कि ये जो अंदर का एरो है ना ये चेंज होता जा रहा है, एक तरफ नीचे के डायरेक्शन में, एक तरफ ऊपर के डायरेक्शन में, नीचे ऊपर। तो फ्रेंड्स जो इसके बाद वाली इमेज आने वाली है उसमें डायरेक्टली आपको पता है कि ये जो एरो है ये नीचे रहने वाला है, ठीक है, ये तो आपको पता है ना। तो डायरेक्टली जिस भी डायग्राम के अंदर में ऊपर की तरफ एरो है आप उसको काट दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर मैं आप देख सकते हो कि एरो जो है वो ऊपर की तरफ में दिया है जबकि आपको यहाँ पर में नीचे की तरफ में चाहिए। ये चीज आपको समझ में आ गई। अब बी सी और डी में से कोई एक आंसर हो सकता है, लेकिन फ्रेंड्स आप थोड़ा सा भी ऑब्जर्व करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इमेज जो है ये कंटिन्यूअसली रोटेट हो रही है, ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, क्लॉकवाइज। देखिए पहले ये ऐसी थी, अब देखिए ये इस तरह से यहां पर में मूव हो गई है, क्लॉकवाइज जो है वो झुक गई है, फिर और क्लॉकवाइज ये आगे बढ़ी, क्लॉकवाइज हो रहा है सारा का सारा घड़ी की दिशा के अंदर में, ठीक है, और देखिए फिर से ये और क्लॉकवाइज और आगे जाते हुए यहां पर में फिर से आ गई है, ठीक है, तो क्लॉकवाइज जो है वो मूवमेंट हो रहा है। अब फ्रेंड्स अगर मूवमेंट क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्या यहाँ जो आंसर फिगर आने वाला है, जो आपका फिफ्थ फिगर आने वाला है, वो एज इट इज हो सकता है कि आपके फोर्थ फिगर जैसा? नहीं, कुछ ना कुछ तो मूवमेंट होना चाहिए ना। तो आपका बी भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप देख सकते हो कि बी के अंदर में कोई भी चेंज नहीं आया है, फिगर जहां पहले थी फोर्थ नंबर पर, फिफ्थ नंबर पे भी वही पे दिखाई गई है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। इस तरह से आप इसको एलिमिनेट कर सकते थे। उसके बाद में फ्रेंड सी और डी में से आपको डिसाइड करना है कि आंसर क्या है। अब देखिए कि सी और डी में से हम कैसे आंसर डिसाइड कर सकते हैं, ध्यान से देखना फ्रेंड्स। यहां पर मैं देखिए ये आपको पता होगा कि ये 90 डिग्री होता है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। अगर आप इसको टोटल देखोगे तो ये कितना होता है फ्रेंड्स, ये 180 डिग्री होता है, ठीक है, ये पूरा टोटल देखिए, ये जो पूरा होता है ये 180 डिग्री होता है, और ये 90 डिग्री और ये 180 डिग्री के बीच वाली लाइन जो होती है फ्रेंड्स वो यहां पर में कितनी होती है आपकी, 135 डिग्री की। इतना आपको डीप में जाके समझने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूं। तो फ्रेंड्स आप लोग यहां देख सकते हो कि जब इमेज नंबर 1 से इमेज नंबर 2 में आप गए तो कितना डिग्री का चेंज आया था, एग्जैक्टली नहीं लेकिन लगभग लगभग आपको 135 डिग्री का चेंज दिख रहा है। यहां पर मैं 90 से थोड़ा सा ज्यादा चेंज दिख रहा है ना, ये आपको 90 से थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है चेंज। उसके बाद में फ्रेंड्स जब आप इमेज नंबर 2 से 3 पे जाते हो तो कितना चेंज आया है, यहां पर मैं आप देख सकते हो कि जब आप 2 से 3 के 3 में जा रहे हो तो इमेज जो है वो कहीं तो भी इस दिशा में है, ठीक है, यहां पर मैं जहां पर मैंने ग्रीन में मार्क किया है, मतलब 90 डिग्री का यहां पर मैं फर्क आया, क्योंकि ये यहां पर मैं 135 था और यहां पर मैं आपका जो है 180 से 270 के बीच वाला आ जाएगा, ठीक है, यहां पर मैं आपको ये चीज समझ में आ गई फ्रेंड्स। तो आप देखिए अभी आप फिलहाल में कहां पर में हो, आप यहां पर में हो, यहां पर में देखिए आप अभी फिलहाल यहां पर में हो। तो फ्रेंड्स ये आपकी पहली पोजीशन भी थी और आपकी ये फोर्थ पोजीशन भी है,
ठीक है। तो फोर्थ पोजीशन से जब आप फिफ्थ पोजीशन पे जाओगे तो आपको कितना डिग्री का शिफ्ट लेना पड़ेगा, आपको यहां पर मैं 135 डिग्री का शिफ्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट से जब आप सेकंड में गए थे तब आपने 135 डिग्री का शिफ्ट लिया था। तो जब आप फोर्थ से फिफ्थ में जाओगे तो फिर से आपको 135 डिग्री का शिफ्ट लेना पड़ेगा, क्योंकि पैटर्न इस तरह से चला आ रहा है। ओके, तो पैटर्न जब इस तरह से चला आ रहा है तो आपको उसी चीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं फ्रेंड्स जो ये आपका सर्कल है ना वो यहां नहीं आएगा बल्कि यहां आएगा, ठीक है, ये इस जगह के ऊपर में, इस जगह के ऊपर में आना चाहिए सर्कल, और सर्कल जो है वो इस जगह पर दिया है आपके ऑप्शन नंबर सी के अंदर में। तो आपका आंसर जो है फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। अगर अभी भी नहीं समझे तो फ्रेंड्स प्लीज थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लीजिए, आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नाउ फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 21 के लिए भी सेम इंस्ट्रक्शन है। यहां पर मैं आपको प्रॉब्लम फिगर्स दी गई है, चार प्रॉब्लम फिगर्स है, आपको बताना है कि इन आंसर फिगर्स में से ऐसी कौन सी इमेज है जो यहां पर मैं फिफ्थ नंबर पे आ सकती है, ठीक है। अब यहां पर मैं हम लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं। आप यहां पर मैं फर्स्ट नंबर की इमेज को देखिए और सेकंड नंबर की इमेज को देखिए, आपको यह देखना है कि कौन सा चेंज यहां पर में हुआ है फर्स्ट से सेकंड में जाने के लिए। आप यहां पर मैं देख सकते हो कि तीन सिंबल यहां पर मैं दिए गए हैं, एक ये पहला एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक मिडल में है और एक यहां पर मैं एक्सट्रीम राइट में है। तो फ्रेंड्स आप लोग यहां पर मैं ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो मिडल वाला सिंबल है और यहां पर मैं, ठीक है, जो आपका एक्सट्रीम राइट वाला जो सिंबल यहां पर मैं आपको दिया गया है उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। देखिए मिडल वाला और एक्सट्रीम राइट वाला एज इट इज यहां लिख दिया गया है, और जो एक्सट्रीम लेफ्ट में था उसकी वाटर इमेज यहां पर मैं लगा दी गई है। वाटर इमेज आई होप आपको पता होंगी कैसे निकालते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे बता सकते हो, मैं आपको वो भी चीज कभी ना कभी इन फ्यूचर सिखा दूंगा। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं देखिए आप लोग देख सकते हो कि ये इमेज थी, इसकी वाटर इमेज ऐसे बन जाएंगी। ओके, अब आप इमेज नंबर टू से इमेज नंबर थ्री में जाइए। इमेज नंबर टू से आप थ्री में जाओगे फ्रेंड्स तो आपको यहां पर मैं दिखेगा कि जो मिडल वाली जो सिंबल है और जो एक्सट्रीम राइट वाला जो सिंबल है वो एज इट इज यहां पर मैं लिख दिया गया है, लेकिन जो एक्सट्रीम लेफ्ट में था उसको एक्सट्रीम राइट में ले लिया गया है और इसकी वाटर इमेज यहां पर मैं बना दी गई है। देख सकते हो आप यहां पर मैं वाटर इमेज यहां पर मैं बना दी गई है, ठीक है। तो यहां पर मैं आप देख सकते हो कि जो एक्सट्रीम लेफ्ट में था उसकी वाटर इमेज यहां पर मैं हम लोगों ने यूज कर ली है। अब आप थ्री से फोर में जाइए, क्या करना है मेरे साथ साथ में आप लोग बताते चलिए। जो मिडल में है, ठीक है, और जो एक्सट्रीम राइट में है उसको एज इट इज लिख देना है। तो देखिए जो मिडल में था और जो एक्सट्रीम राइट में था उसको हमने एज इट इज यहां पर मैं लिख दिया है, जो एक्सट्रीम लेफ्ट में था उसकी हमने यहां पर मैं वाटर इमेज यूज कर ली है। ओके, तो वाटर इमेज आप लोगों को यहां पर मैं यूज करनी है सभी जगह पे। तो यहां पर मैं आप देख सकते हो वाटर इमेज हमने यूज कर ली है। अब फ्रेंड्स हमको यहां पर मैं फिफ्थ वाली इमेज बोली है, वैसे हमें ऑप्शन नहीं भी दिया होता तो भी हम यहां पर मैं फिफ्थ वाली इमेज बना सकते थे। सबसे पहले तो यहां पर मैं सर्कल आ जाएगा। अब मुझे बताइए क्या करना है, मुझे जो मिडल में है और जो एक्सट्रीम राइट में उसको एज इट इज लिख देता हूं, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों के लिए यहां लिख देता हूं, ठीक है, जो मिडल में था वो देखिए मैंने यहां लिख दिया है यहां पर मैं, और जो एक्सट्रीम राइट में था उसको भी मैंने यहां पर मैं बना दिया है। ओके, ये हमारा बन गया। उसके बाद में फ्रेंड्स देखिए यहां पर मैं जो एक्सट्रीम लेफ्ट में था उसकी हमें वाटर इमेज यहां पर मैं यूज करनी है। तो इसकी वाटर इमेज क्या बन जाएगी, देखिए इसकी वाटर इमेज यहां पर मैं बन जाएगी इस तरह की। ओके, इस तरह की यहां पर मैं वाटर इमेज बन जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये इमेज आपको कहां पर मैं दी है, ये इमेज आपको दी है ऑप्शन नंबर बी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 22, फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको बोला है एक्स मैन वर्किंग एट कॉन्स्टेंट स्पीड डू अ सर्टेन जॉब इन वाई डेज, ठीक है। एक्स मैन अगर काम कर रहे हैं तो उनको काम करने के लिए वाई डेज लगते हैं। विच वन ऑफ दीज डायग्राम शोज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो फ्रेंड्स यहां पर मैं आपको नंबर ऑफ मैन और नंबर ऑफ डेज के बीच में एक डायग्राम दी गई है। ओके, अलग अलग डायग्राम से आपको बताना है कि कौन सी डायग्राम सही है। अब फ्रेंड्स अगर आप लॉजिकली सोचो तो जितने ज्यादा मैन रहेंगे, जितने ज्यादा लोग काम कर रहे हैं, उतने आपको कम डेज लगेंगे उस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हमें कौन सी डायग्राम में समझ में आ रहा है, यहां पर मैं आप देखिए फ्रेंड डायग्राम नंबर फोर में, यहां पर मैं अगर से नंबर ऑफ मैन ज्यादा है, ठीक है, यहां देखिए ये जीरो है, जैसे जैसे आप राइट की तरफ जाओगे तो नंबर ऑफ मैन जो है वो बढ़ते जाएंगे, जो लोग है उनकी संख्या बढ़ रही है। तो जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतने ज्यादा देखिए दिन जो है वो कम होते जा रहे हैं। देखिए यहां पर मैं यहां पर, ठीक है, अगर यहां पर मैं नंबर ऑफ मैन जो है वो 10 है तो यहां पर मैं डेज जो है वो कम लगेंगे, वही अगर से नंबर ऑफ मैन जो है वो 5 कर दिए जाएंगे तो देखिए डेज जो है वो ज्यादा लगेंगे आपको। तो फ्रेंड्स ये वाली डायग्राम जो है वो मोर लॉजिकल है और मोर यहां पर मैं आपको सेटिस्फाई करती है, क्योंकि जितने ज्यादा आप यहां पर मैं नंबर ऑफ मैन बढ़ाते जाओगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ डेज जो है वो कम होते जाएंगे। बाकी के आप डायग्राम देखोगे फ्रेंड्स तो वो रिलेवेंट नहीं है,
ठीक है, तो यहाँ पर मैं हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 या फिर डायग्राम नंबर 4। तो डायग्राम नंबर 4 जो है वो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है, इसीलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पर मैं आपको बोला है कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ओके, यहाँ एक मैट्रिक्स दिया गया है, आपको बताना है कि इस मैट्रिक्स में एक्स के जगह पे इनमें से कौन सा नंबर आ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 3 में, ठीक है, कॉलम नंबर 1 का बॉक्स नंबर 1 और बॉक्स नंबर 3 में जो नंबर आपको दिए है, अगर आप उसका एडिशन करोगे और बॉक्स नंबर 2 में जो नंबर दिया है उसके डिजिट का एडिशन करोगे तो आपको जो सम मिलेगा वो सेम मिलेगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पर मैं देखिए, जो बॉक्स नंबर 1 है उसमें आपको क्या दिया है, 3। ओके, और बॉक्स नंबर 3 में आपको क्या दिया है, यहाँ पर मैं दिया है 7। ओके, तो 3 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 10 हो जाता है। वही फ्रेंड्स, अगर आप बॉक्स नंबर 2 को देखोगे तो बॉक्स नंबर 2 के अंदर में क्या दिया है आपको, बॉक्स नंबर 2 में आपको दिया है 370। तो आप क्या कीजिए, 370 के जितने भी डिजिट है उनको ऐड कर दीजिए, 3 प्लस 7 प्लस 0, तो ये भी 10 हो जाता है। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ पर में भी 10 है और यहाँ पर में भी 10 है। चलिए एक और एग्जांपल से समझ लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। 2 और 6, ठीक है, तो फर्स्ट बॉक्स के अंदर में दिया है 2 और 6 थर्ड बॉक्स के अंदर में दिया है 6, तो 2 प्लस 6 कितना हो जाता है, 8 हो जाता है। ओके, अब थर्ड बॉक्स में देखिए, सॉरी सेकंड बॉक्स में आप देखिए, सेकंड बॉक्स के अंदर में, सेकंड बॉक्स में क्या दिया है, 224। ओके, तो 224 आपको दिया है, तो आप क्या करोगे, 224 के सारे डिजिट को सम कर दीजिए, 2 प्लस 2 प्लस 4, तो देखिए ये भी 8 हो जाता है। तो देखा आप लोगों ने, यहाँ भी 8 आया और यहाँ पर में भी 8 आया है, तो सेम लॉजिक यहाँ पर में भी फॉलो होगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो सेकंड बॉक्स का आप एडिशन कर लीजिए क्योंकि थर्ड बॉक्स आपके पास में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर में कितना है, 730, तो 730 मतलब 7 प्लस 3 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 10। तो यहाँ पर में फर्स्ट और थर्ड का जो एडिशन है वो भी 10 आना चाहिए, और आपको पता है कि फर्स्ट बॉक्स के अंदर में है 1। ओके, तो आपको कितना ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर में कि ये 10 हो जाए, बताइए मुझे कितना ऐड करना पड़ेगा कि ये 10 हो जाए। ऑब्वियसली आपको यहाँ पर में कितना रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर में रखना पड़ेगा 9। ओके, यहाँ पर में आपको 9 रखना पड़ेगा, तभी ये 1 प्लस 9 जो है वो 10 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स आपका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 9। नाउ फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 जो है वो भी हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही मिलता जुलता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पर में। आप इसको देखिए, 84, 14 और 12, 81, 18, 9, 88 यहाँ क्वेश्चन मार्क दिया है और यहाँ 11 है। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे कौन सा नंबर आ सकता है इनमें से। तो फ्रेंड्स, आपको ये दो जो आपको फिगर दी गई है इनमें से समझना पड़ेगा कि यहाँ लॉजिक कौन सा फॉलो हो रहा है। ओके, तो अगर आप थोड़ा सा भी यहाँ पर में ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स के यहाँ पर में इन दोनों में से किसी एक नंबर को आधा कर दिया गया है और उस दूसरे नंबर के साथ में उसको मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है वो यहाँ पर में आएगा। देखिए मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं, आप क्या कीजिए, इन दोनों में से किसी भी एक नंबर को आधा कर दीजिए। मैं 14 को आधा कर देता हूँ, 14 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना हो जाएगा, 7। और 7 को आप ये जो दूसरा नंबर है ना जिसको आपने आधा नहीं किया है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना आता है, 7 12 जा 84। तो देखिए यहाँ पर मैं 84 यूज किया गया है। ठीक है, चलिए इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या सेम लॉजिक यहाँ पर में भी फॉलो हो रहा है। यहाँ पर मैं देखिए, आप क्या कीजिए, 18 का आधा कर दीजिए, 18 का आधा कितना होता है, 9। ओके, और आप क्या कीजिए, इस 9 को 9 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्यों 9 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि यहाँ पर मैं 9 था, तो 9 9 का कितना होता है फ्रेंड्स, 9 9 का होता है आपका 81। तो देखिए यहाँ पर मैं 81 आया है, तो सेम लॉजिक यहाँ पर में भी फॉलो होगा। तो हम यहाँ पर में भी इसी लॉजिक को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। आप मुझे बताइए कि 88 कब आएगा, आप 11 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करोगे कि यहाँ पर में 88 आ सकता है। तो ऑब्वियसली आप लोग कहोगे कि अगर आप 11 को 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी यहाँ पर में 88 आ सकता है। ठीक है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर में हम 8 नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना कि हम यहाँ 8 लिख दें, यहाँ 8 नहीं लिखा जाता, नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि आप ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हो जो कि इस नंबर का आधा होता है। तो 8 कौन से नंबर का आधा है, कौन से नंबर का हाफ है, ये 16 का हाफ है। तो यहाँ पर मैं इस जगह पे क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आ जाएगा 16, क्योंकि 16 बाय 2 करोगे आप तभी यहाँ पर मैं ये 8 आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ पर मैं आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक क्यूब की 3 इमेजेस दिखाई गई है। ठीक है, एक इमेज में आप देख पा रहे हो कि ऊपर में 1 है, फिर साइड में 6 और 4 है, फिर एक इमेज में ऊपर में 3 दिखाया गया है, फिर 1 और 2,
फिर एक और इमेज है जिसमें तीन ऊपर दिखाया गया, फाइव और सिक्स साइड में दिखाया गया है. ओके, तो ये तीन अलग अलग एंगल से आपको इमेज दिखाई गई है एक सेम आपके क्यूब की. आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट पॉसिबल नंबर्स कैन एग्जिस्ट ऑन द टू फेसेस मार्क्ड ए एंड बी रिस्पेक्टिवली ऑन द क्यूब. तो यहां पर मैं देखिए सेम क्यूब की आपको एक और इमेज दी गई है, लेकिन यहां पर मैं आपको 5 तो बता दिया गया है, लेकिन दो जगहों पे ए और बी इस तरह से मार्क कर दिया गया है. आपको बताना है कि ए और बी के जगह पे कौन से नंबर यहां पर में आ सकते हैं. तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको एक बहुत ही परफेक्ट तरीका बताता हूं जिससे आप इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे. आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि क्यूब पर 6 नंबर होते हैं. ठीक है, 6 नंबर होते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही है. जिसमें से फ्रेंड्स एक जो है वो आपका क्या होगा, अपोजिट होगा, और 4 आपके एडजेसेंट होंगे. ठीक है, तो आपका एक जो है वो अपोजिट नंबर होगा. ठीक है, अपोजिट नंबर हो जाएगा, और 4 जो है वो एडजेसेंट साइड हो जाएंगे, एडजेसेंट साइड हो जाएंगे, है ना. देखिए इस तरह से यहां पर मैं ये 1 को अगर मैं ले लूं तो एडजेसेंट इसके 4 हो जाएंगे, और इसके जस्ट पीछे वाला जो रहेगा यहां पर में, ओके, इधर साइड में, ये क्या रहेगा, ये इसका अपोजिट वाला रहेगा. एक ही नंबर होता है जो अपोजिट होता है. तो आपको क्या करना होता है फ्रेंड्स इस कंडीशन में, आपको देखना होता है कि कौन से ऐसे नंबर है जो 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं. ठीक है, तो 2 या 2 से ज्यादा बार रिपीट होने वाले नंबर देखिए. तो मुझे यहां पर मैं साफ साफ दिख रहा है फ्रेंड्स कि सबसे पहले 1 जो है वो रिपीट हुआ है. तो आप लोग यहां पर मैं देखिए 1 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, और कौन से नंबर रिपीट हो रहे हैं, मुझे यहां पर मैं दिख रहा है 3 जो है वो यहां पर मैं रिपीट हो रहा है. तो 3 रिपीट हो रहा है, और 6 यहां पर मैं रिपीट हो रहा है ना. तो 6 नंबर जो है मुझे 2 बार दिख रहा है. तो फ्रेंड्स यहां पर मैं देखिए इसके एडजेसेंट साइड कौन कौन से है. तो यहां पर मैं आपको 1 दिखाई दे रहा है, 1, तो 1 के यहां पर मैं 2 एडजेसेंट साइड दिख रहा है आपके, 6 और 4. ये अपोजिट तो नहीं है ना, एडजेसेंट है. तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि 6 और 4 जो है वो 1 के एडजेसेंट है. ओके, इस डायग्राम से आपको समझ में आया. अब इस डायग्राम में देखिए, इस डायग्राम के हिसाब से आपको यहां पर मैं दिखाई दे रहा है कि 1 के 2 और एडजेसेंट साइड है, 3 और 2, है ना. तो 3 और 2 भी जो है वो एडजेसेंट साइड है. तो 3 और 2 भी एडजेसेंट साइड है, और मैंने आपको बताया था कि 4 एडजेसेंट साइड हो सकते हैं. तो चारों एडजेसेंट साइड जो ए के है, 1 के है, वो आपको पता चल गए. तो 1 के कौन कौन से एडजेसेंट साइड हो सकते हैं, 6, 4, 3, 2. अब फ्रेंड्स ये तो बात हो गई आपके एडजेसेंट साइड की. ओके, एडजेसेंट साइड की. अब आप मुझे बताइए कि अपोजिट साइड कौन सा होगा, अपोजिट साइड कौन सा हो सकता है. अब हम 1 की बात कर रहे हैं, तो एडजेसेंट साइड तो आपको मिल गए, तो इनको छोड़ के जो एक नंबर बच गया है वो आपका अपोजिट हो जाएगा. तो 6, 4, 3, 2 को छोड़ दीजिए, तो आपका जो नंबर बच गया है, ठीक है, दैट इज 5, वो इसका अपोजिट हो जाएगा. तो 1 का अपोजिट कौन हो गया, 5. उसी तरह से फ्रेंड्स आप 3 का भी निकाल सकते हैं. जिन लोगों को पहला समझ में नहीं आया वो लोग ध्यान से देखिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. यहां पर मैं देखिए 3 आपको कौन से 2 डायग्राम्स में दिए गए, तो 3 आपको यहां पर में दिखाई दे रहा है और यहां पर में दिखाई दे रहा है. इस डायग्राम में देखिए कि 3 के कौन कौन से एडजेसेंट साइड आपको दिख रहे हैं. ठीक है, 1 और 2 यहां पर मैं 2 नंबर दिख रहे हैं आपको, 1 और 2 जो है ये इसके एडजेसेंट है, क्योंकि आसपास में ही दिख रहे हैं, मतलब ये एडजेसेंट है. ये तो चीज हमको यहां से समझ में आ गई. तो 1 है और 2 है, ये आपको यहां से समझ में आ गई. उसके बाद इस डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि 5 और 6 जो है ये भी एडजेसेंट है, ये अपोजिट नहीं हो सकते. तो 5 और 6 यहां पर में एडजेसेंट है. तो अब आप अपोजिट साइड कैसे डिसाइड करोगे, इन नंबर को छोड़ दीजिए, 1, 2, 5 और 6 को छोड़ दीजिए, और 3 को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि ये खुद का अपोजिट तो नहीं हो सकता ना. तो 1, 2 और 5 को छोड़ दोगे तो आपको कौन सा वाला अपोजिट साइड मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहां पर आपको मिल जाएगा 4. ठीक है, 4 जो है वो यहां पर में अपोजिट हो जाएगा. अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूं, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होगा ऐसा नहीं है, लेकिन क्यूब वाले क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे. तो आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कैसे सॉल्व करते हैं, इसीलिए मैं ये पूरा लेंथी करके समझा रहा हूं, वरना ये जस्ट इसको करके भी आंसर हमारा डायरेक्टली आ जाता है. मैं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये दोनों चीजें अच्छे से समझा रहा हूं, क्योंकि फ्रेंड्स क्वेश्चन एज इट इज रिपीट नहीं होगा, लेकिन सेम तरीके के क्वेश्चन रिपीट होंगे, इसीलिए आपको मेथड यहां पर मैं पता होनी चाहिए. ओके, तो चलिए 6 के लिए देखते हैं. जिन लोगों को नहीं समझाया अभी भी वो और ध्यान से देखिए. तो यहां पर मैं इस डायग्राम में 6 दिया है आपको, तो यहां पर मैं 2 एडजेसेंट साइड कौन सी दिख रही है, 1 और 4. तो यहां पर मैं आप 1 और 4 को लिख दीजिए, 1 और 4, 2 एडजेसेंट साइड मिल गई. और कहां पर मैं दिया है आपको, यहां पर मैं 6 दिया है, तो 5 और 3 भी एडजेसेंट साइड है. तो यहां पर मैं 5 और 6 भी आप लोग यहां लिख दीजिए. अब आप क्या करोगे, 1, 4, 5 और 6, सॉरी यहां पर मैं फ्रेंड्स हम 6 की बात कर रहे हैं, तो यहां पर मैं 5 और 3 हो जाएगा ये. ओके, 5 और 3. अब फ्रेंड्स यहां पर मैं 1, 4, 5 और 3 को आप छोड़ दीजिए, 1, 4, 5 और 3 को छोड़ दीजिए, तो जो भी नंबर बच जाता है वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा अपोजिट नंबर 6 के लिए. तो 6 के लिए अपोजिट नंबर कौन सा हो जाएगा, यहां पर मैं 2 हो जाएगा. ओके, तो 6 के अपोजिट में कौन आने वाला है, 2 आने वाला है. उसके बाद में 3 के अपोजिट में 4 आएगा, और 1 के अपोजिट में 5 आएगा. तो देखिए
फ्रेंड्स यहां पर मैं आपका 5 दिया हुआ है ओके okay, वैसे आपको ये दो चीजें करने की जरूरत नहीं थी, पहले में भी आंसर आ जाता। अब देखिए सॉल्व कैसे करना होता है, यहां पर मैं आपको 5 दिखाई दे रहा है ठीक है, तो यहां पर मैं जो दो नंबर आएंगे वो 5 का अपोजिट नहीं हो सकता क्योंकि 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 का अपोजिट अगर 5 है तो 5 का अपोजिट ऑब्वियसली 1 हो जाएगा ना, दोनों एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे, तो 5 का अपोजिट है 1। तो फ्रेंड्स इन दो जगहों पे 1 तो नहीं आ सकता क्योंकि 1 अपोजिट है, एडजेसेंट नहीं हो सकता। तो जिस जिस भी ऑप्शन में आपको यहां पर मैं 1 दिया हुआ है ना वो आपका एलिमिनेट हो जाएगा। तो आप देखिए यहां पर मैं 1 दिया है तो यहां पर मैं दोनों ही जगहों पे 1 नहीं आ सकता क्योंकि 1 अपोजिट है, तो उसको काट दीजिए। देखिए यहां पर मैं भी 1 है तो काट दीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स तीन ऑप्शन आप लोगों के यहां पर मैं एलिमिनेट हो गए, सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है तो वो आपका आंसर हो जाएगा 2 और 3। यहां पर मैं 2 और 3 आ सकते हैं, 1 नहीं आ सकता ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, एक तो ये जोड़ी हो गई फ्रेंड्स। और भी पॉसिबिलिटी है जो यहां पर मैं आ सकते थे ए और बी की जगह पे, कौन कौन सी जोड़ी बन सकती थी यहां पर मैं, आप ध्यान से देखिए यहां पर मैं ओके आप लोगों ने देख लिया कि 2 और 3 तो बन सकती है, साथ ही साथ में फ्रेंड्स यहां पर मैं और कौन सी जोड़ी बन सकती थी वो भी देख लीजिए आप। यहां पर मैं एक तो जोड़ी आपकी बन सकती थी फ्रेंड्स 4 और 6 की ठीक है, 4 और 6 की जोड़ी बन सकती थी जो 5 के एडजेसेंट हो। उसके बाद में और कौन सी बन सकती थी, 4 और 3 की जोड़ी बन सकती थी। उसके बाद में आपकी बन सकती है फ्रेंड्स 4 और 2 की जोड़ी बन सकती है यहां पर मैं, और इसी के साथ में आपकी बन सकती है 6 और 3 की। तो ये भी पॉसिबिलिटी थी जो एडजेसेंट में आ सकते हैं 5 के ओके। 1 को छोड़ के इनकी कोई भी कॉम्बिनेशन आप लोग यहां पर मैं बना सकते हो जो यहां पर मैं आ सकते हैं ओके। सो फ्रेंड्स आई होप आपको यहां पर मैं ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया है, और अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो प्लीज थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड करके देख लीजिए फ्रेंड्स, इससे आपको और अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए ऐसे ही और ज्यादा वीडियोस लेकर आए। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स आप सिविल स्टेप को यहां पर मैं सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिल जाए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें hello@civilstep.com पर मेल कर सकते हो या फिर आप हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हो ओके। इसी के साथ फ्रेंड्स आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय।